So welcome back. So let's check out the data sheet to understand the business economics in better way and dashboard, right? तो यहाँ पे हम basically अब डेटा को समझेंगे, डेटा को क्या है नहीं है एंड उसके बेसिस पे विल डिराइव इनसाइट्स ऑन पावर बीआई, राइट? तो आ जाते हैं यहाँ पे डेटा शीट जो कि आपको नहीं मिलेगा. इसके कुछ ही डेटा मैं प्रोवाइड करूंगा आपको क्योंकि ये डेटा क्रिएट करने के लिए टुक मी 10 आवर्स, 10 घंटा कल से आज मिला करके डेटा क्रिएट किया मैंने. और ये यूनिक कंटेंट है क्योंकि कोई भी अपनी कंपनी का डेटा क्यों देगा. सो इट इज यू कि आपको जब रियल स्टेट समझ में आ गया कि रियल स्टेट इंडस्ट्री किस तरह से काम करता है, क्या क्या डेटा रहता है, आप खुद से क्रिएट कर सकते हो. और ये चीज क्रिएट कर लिया मतलब आप अलग लेवल पे हो. सो आई कैन क्रिएट एनी इंडस्ट्रीज डेटा, एनी इंडस्ट्री यू नेम इट एंड आई विल क्रिएट, भले वो पैथोलॉजी लैब का हो आई कैन क्रिएट, बिकॉज मैंने आपको यहाँ पे बिजनेस कंसल्टेंट बनना सिखा रहा हूँ. बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिस्ट में आपको पावर बीआई डेवलपर बनाना मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है, राइट? मेरा काम है कि आप बिजनेस कंसल्टेंट हो ताकि आप एक्चुअली में पैसा कमा सको. सो यहाँ पे मैं हर एक डेटा को क्रिएट कर सकता हूँ खुद से बिकॉज आई अंडरस्टैंड द बिजनेस इन मच बेटर वे. तो इसलिए पावर बीआई डेवलपर जो रहते हैं वो कोडर रहते हैं, लेकिन जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं ना उसको भाई कम से कम 10 दिन तो बिजनेस को समझने में लगाना ताकि क्या क्या चीज डिराइव कर सकते हैं. सो आई नो ईच एंड एवरीथिंग. ऊपर वाले का शुक्र, अल्लाह करम है. यहाँ पे पहले वॉकिंग डेटा है, फिर सेल्स डेटा एंड कंस्ट्रक्शन डेटा है. मैं यहाँ पे सेल्स डेटा तक लेके जाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बिकॉज ये एक है. फिर उसके बाद 2.5 घंटे का आपका ऑटोमेशन का वीडियो भी आने वाला है, इसी का पार्ट है जो कि दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. तो यहाँ पे डेट है, मंथ नेम है कि कौन से मंथ में ये वॉकिंग्स हुए हैं, मंथ नंबर कौन से मंथ नंबर में ये कस्टमर आईडी क्रिएट किए हैं, ये मैंने सब पर्सनली खुद से क्रिएट किया है. चैट जीपीटी का हेल्प लिया डेफिनेटली, बट चैट जीपीटी से आप कर लेना आपको ऐसा डेटा मिलेगा कि आप सोच नहीं सकोगे, सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. कस्टमर नेम, विजिट टाइप यहाँ पे दिया है, सेकेंड टाइम एंड फ्रेश, मतलब वो जो परचेस करने आया है वो फर्स्ट टाइम घर खरीद रहा है कि सेकेंड टाइम खरीद रहा है. कॉमन वैल्यू मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि 1:1 ताकि मैं समझ सकूँ कि सेकेंड टाइम वाले 1 आए, फ्रेश टाइम, तो इनको अगर टोटल करो तो कितने बार आए हैं, दैट आई विल टेल यू इन पावर बीआई. कॉन्फिग्रेशन 2 BHK, 3 BHK देखने आ रहा है, 4 BHK देखने आ रहा है, कौन से लोकेशन से, दादर, मलाड, भांडू, परेल, पवई, भाईकल्ला, मुलुंड, साइन, चेंबूर एंड सो ऑन. कौन सा टावर वो लोग देख रहे हैं, घर जो मतलब जो भी घर वहां पे ले रहे हैं, प्रोजेक्ट्स जो भी है. यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम है, आप देखोगे कि ये प्रोजेक्ट के अंदर में क्रिसेंट करके उसमें टावर डी देखने आया, मतलब उसको जो भी वहां का जो सोर्सिंग मैनेजर होगा उसने दिखाया रहेगा. जब आप जाते हो प्रोजेक्ट देखने के लिए तो पहले आपको चैनल पार्टनर मिलता है, चैनल पार्टनर एक साइड में हो जाता है, बैठता है, और फिर सोर्सिंग मैनेजर आपको प्रोजेक्ट्स पूरा ओवरव्यू दिखाता है, बिकॉज मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं. उसके बाद चैनल पैरेंट सोर्स कि ये जो है जो कस्टमर है वो डायरेक्टली आया है कि चैनल पार्टनर के द्वारा. डायरेक्ट मतलब जैसे कि मैं जाता था तो डायरेक्टली लोधा, वुड्स या जहां भी मुझे विजिट करना है प्रेस्टीज, तो मैं डायरेक्ट जाता था. तो मैं उनके लिए मतलब वहां पे उस कंपनी का अगर मैं वो फ्लैट खरीदता तो उनको कमीशन देना नहीं पड़ता, लेकिन चैनल पार्टनर के थ्रू आया तो दे विल हैव टू पे द कमीशन. फिर लीड मोड, मतलब यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है लीड मोड, मतलब चैनल पार्टनर एक नहीं है भाई, कम से कम इंडिया के अंदर में आपको 1000-2000 चैनल पार्टनर मिले, मुंबई के अंदर में 500-600 चैनल पार्टनर है, राइट? तो वहां पे कौन से चैनल पार्टनर के थ्रू आया, तो वहां पे चैनल पार्टनर का नाम भी दे दिया. फिर सोर्सिंग मैनेजर, आपकी कंपनी के अंदर में जो सीएसएमओ के अंदर में टीम है उसमें से कम सोर्सिंग मैनेजर आपके 18-20 सोर्सिंग मैनेजर रहते हैं प्रोजेक्ट साइज के हिसाब से. फिर क्लोजिंग मैनेजर मतलब उसके और हायर लेवल पे कि भाई ये बंदा क्लोज कर देगा, सोर्सिंग मैनेजर लेके आए कि सर ये थोड़ा पोटेंशियल लग रहा है आप इसको क्लोज कर दो. फिर एथनिसिटी मतलब वो जो कस्टमर है वो हिंदू है, मुस्लिम है, मारवाड़ी, जैन, गुजराती, क्रिश्चियन, पंजाबी, जो भी है वो क्या है. एज ग्रुप जो परचेस करने आया है जो देख रहा है उसका एज ग्रुप क्या है, वो 30 का है या 35 का है, 35 का, उसका एक एक एज ग्रुप है, राइट? प्रॉपर्टी टाइप, वो रेडी टू मूव इन देख रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहा है, मैरिड है कि अनमैरिड है, एनुअल इनकम उसका क्या है, 25 लाख है, 50 लाख है, 75 लाख है, 1 करोड़ है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब उसके पास बच्चे कितने हैं. अगर कोई सोचो कपल आया है, अभी अभी शादी हुई है, वो खरीदना चाहता है, वो बंदे का बजट 1 करोड़ का है और आप उसको 1.5 करोड़ का पिच कर रहे हो, सो इट इज नॉट अ गुड आइडिया. ऑल इट इज अ गुड आइडिया इन टर्म्स ऑफ कि आपका बिजनेस अच्छा हो, लेकिन उसके पास बच्चे नहीं है, तो 1 BHK में 1 करोड़ इज फाइन. लेकिन सोचो कि अगर कोई आ रहा है उसके 2 बच्चे हैं और आप उसको कह रहे हो कि सर 1.5 करोड़ का फ्लैट ले लो, 2 करोड़ का मत लो, क्योंकि अभी भी आपके बच्चे छोटे हैं, छोटे छोटे 2-2 साल के, लेकिन कल जाकर के वो 10-12 साल के, उनको उनको अलग से रूम की जरूरत पड़ेगी. दैट टाइम यू कैन प्लान एंड अपग्रेड, राइट? सो दैट इज हाउ यू हैव टू सी कि भाई कितने बच्चे हैं. उसके बाद प्रॉपर्टी फॉर बजट, मतलब जब आप फॉर्म भरते, ये सारा का सारा फॉर्म है जो कि
आप जाओगे कहीं भी तो वहां पे एक टैब रहेगा उनके पास, वो फटाफट फटाफट टिक करते जाते हैं आपका। हार्डली आई थिंक 5 मिनट्स लेते हैं कि आपका प्रॉपर्टी का बजट क्या है, कितने बजट में आप देख रहे हो। उसके बाद द प्रॉपर्टी अप टू, मैंने उसको फिर डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ 1.5 करोड़ अप टू, ये है। फिर आप जो घर खरीद रहे हो, फर्स्ट टाइम ओनर हो कि सेकेंड टाइम, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं एक घर ले लिया और घर खरीद रहा हो, ठीक है। पर्पस क्या है? सेल्फ यूज के लिए, जैसे कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं फिर हमको और एक दूसरा घर लेना है तो हम सेल्फ यूज के लिए बोलते हैं, या फिर मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं बोलूंगा नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि अभिषेक बच्चन वुलुंड में, कम से कम आई थिंक वुलुंड में 10 फ्लैट खरीदा है रिसेंटली जो न्यूज था। उसके बाद उस कस्टमर से जो वॉक इन आया है उससे मिल करके आपको क्या लगता है, वन मतलब पोटेंशियल है कि ये भाई खरीदने वाला है, जीरो मतलब भाई ये तो टाइम पास करके गया, राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड बी एबल टू इंटरप्रेट द बिजनेस। मैंने आपको FMCG फाइनेंशियल कहीं से भी लो, आई कैन इंटरप्रेट बिकॉज आई एम फ्रॉम कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट। और ये सब सब समझना है एक चीज, उसके लिए मैं थोड़ा सा मार्केटिंग में अपना भी कर लूँ प्रमोशन। यू कैन सिंपली विजिट दिस fincaro.com एंड इसमें बहुत कुछ आने वाला है। और यहाँ से आप एक बुक ऑर्डर कर सकते हो जो कि मैंने कॉस्ट काफी कम रखा है, ये मेरा हार्ड वर्क है। ये बुक एक प्रोसेस बुक है, प्रोसेस बुक आप समझते हो, ये कोई वो नहीं है कि भाई एक बायोग्राफी, ये प्रोसेस बुक है भाई। मुझे एक ये स्टॉक 7,000 में से कौन सा स्टॉक खरीदू तो ये आपको बताएगा, ये लेना है, ये पहले ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है। सो इट इज लाइक ऑल द प्रोसेस, ऑलमोस्ट आई थिंक 20-25 मॉड्यूल है कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, बेसिकली प्रोसेस है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया है कि बिरयानी अगर मुझे बनाना है तो क्या क्या चीज चाहिए, उसी से मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो क्या क्या चीज चाहिए। तो ये प्रोसेस बुक है, राइट। दिस इज जर्नी इंटायर थिंग, यू विल लर्न इन मोर प्रैक्टिकल वे, 50+ केस स्टडी जिसमें मैंने पर्सनल इन्वेस्ट किया और पैसे बनाए, पूरा रियल तरीके का मैंने इसमें बताया। और ये दिस इज बुक समथिंग जिसका डिमांड मेरे ख्याल से 1-1.5 साल के बाद मार्केट में, आई हैव सोल्ड आई थिंक इन लास्ट जब से लॉन्च हुआ, मई में लॉन्च हुआ तो आई हैव सोल्ड आई थिंक 250+ कॉपीज अब तक की। भाई छोटा आदमी हूँ, राइट, मैं 1,000 कॉपी एक दिन में नहीं बेच सकता, बट जिनके पास भी ये बुक गया दे विल डेफिनेटली एंजॉइंग दिस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, थोड़ा मार्केटिंग कर लिया मैंने अपना। नाउ द सेल्स डेटा, ये आपके वॉकिंग डेटा थे कि भाई कितने वॉकिंग डेटा हुए हैं, यहाँ से लोग आए हैं लगभग देखे तो 2,500 लोग आए। अब यहाँ पे आपको सर एग्जैक्ट 2,500 कैसे हो सकता है, बिकॉज दिस डेटा आई हैव क्रिएटेड। मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ उसका डेटा थोड़ी ना चोरी कर सकता हूँ, बट आई कैन मेक द डेटा, ये मेरे पास इंटेलिजेंस है इसका। और ये डेटा आपको इसका मैं सिर्फ 500 ही रोज प्रोवाइड करूंगा क्योंकि इसको बनाने में मेरा बहुत टाइम गया बॉस। इस लॉजिक को ब्रेक करने के लिए आई हैड आस्क डेटा साइंटिस्ट, आई हैड आस्क अ पीपल विद अ 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टू बिजनेस इंटेलिजेंस जो उसमें करते हैं, लेकिन नो बडी एबल टू क्रैक। मुझे क्रैक करने में काफी टाइम लगा, 1 महीना लगा है। और इसको पे करने के लिए आई वॉज रेडी टू पे 10,000 रुपीज टू 50,000 रुपीज अगर आप 5 मिनट पे ये जो लॉजिक ब्रेक कर सको, ये लॉजिक मैंने ब्रेक किया है। सो आई विल प्रोवाइड ओनली 500 रोज टू यू सेल्स का भी इसका, आपको अगर ये चाहिए सो ये मेरे वेबसाइट फिनकोरो पे 1.5 महीने के बाद आएगा। इसका सोल्यूशन भी जो भी जो है वो आपको 1.5 महीने के बाद मिलेगा, सोल्यूशन तो खुद करना है बिकॉज हार्ड वर्क शुड बी पेड ऑफ, राइट, आपको मिलना चाहिए। उसका सेल्स डेटा मतलब 2,500 लोग आए उसमें से प्रोजेक्ट कौन सा देखा, मतलब जो खरीद लिया एक्चुअली में सेल्स हुआ है, कस्टमर नेम, पैरेंट सोर्स, लीड मोड, सोर्सिंग मैनेजर, क्लोजिंग मैनेजर, कौन से फ्लोर पे खरीदा है, कौन सा यूनिट खरीदा है, 1 BHK खरीदा है, यूनिट साइज कौन सा खरीदा है, रेडी टू मूव इन खरीदा है, अंडर प्रॉपर्टी खरीदा है, बुकिंग अमाउंट कितना पे किया है, 10%, 5%, 2%, एग्रीमेंट वैल्यू कितना है, बुकिंग डेट जिस दिन खरीदा उस दिन का डेट क्या है, बुकिंग मंथ नेम, कौन से टावर में खरीदा है। एंड अगर चैनल पार्टनर ने दिया है तो हमने यहाँ पे कुछ डिसाइड किया है कि भाई चैनल पार्टनर अगर बेचता है तो उसको 2% हम देंगे कमीशन, लेकिन अगर डायरेक्ट मतलब अगर कंपनी का एम्प्लॉय बेचता है तो हम उसको 0.5% कमीशन देंगे। फिर रजिस्ट्रेशन डेट, मतलब आपने घर खरीदा तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है 30 से 35 या 45 दिन के बाद महार एरर में कि भाई ये घर मेरा है, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि आपको ब्रोकर आपकी कंपनी जहां से खरीदोगे, जैसे मैंने खरीदा तो 60 दिन के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था कि ये घर मेरे नाम से, राइट। तो ये सब फिर अगर वो यहाँ पे दे दिया डेज, कितना दिन हो गया बुकिंग और रजिस्ट्रेशन के बीच में, उसके बाद ये जो सीपी अगर बेचा है तो वो एलिजिबल है कि नहीं, तो वी हैव प्रोवाइडेड वन कंडीशन कि मिनिमम 45 डेज रहेगा तभी उसको ब्रोकरेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, राइट। मतलब बुकिंग उसने बेच दिया सीपी ने, लेकिन अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही सीपी को पैसे मिलते हैं, ठीक है। सो यहां तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में भी है, बट कंस्ट्रक्शन का मैं नहीं बना के दूंगा आपको फिलहाल। प्रोजेक्ट नेम, फ्लोर नंबर, कंस्ट्रक्शन फेस, रूफिंग चल रहा है या एक्सटर्नल वॉल चल रहा है, इंटरनल फिनिशिंग चल रहा है, HVAC इंस्टॉलेशन चल रहा है, रूफिंग, मतलब सब कुछ यहाँ पे डाल दिया है।
कितना प्लान बनाने वाले थे, इस मंथ में कितना बनाए हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ था, कब कंप्लीट करने वाले हैं, कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ, लेबर आवर्स कितना स्पेंड कर रहे हैं, सेफ्टी वायोलेशन कुछ तोड़ रहे हैं क्या, स्टेटस क्या है, पेमेंट डिले, एवरीथिंग. तो ये भी मैं क्रिएट करके रखा हूँ. बट मैं आपको फिलहाल वॉकिंस और सेल्स डेटा का, वॉकिंस में से 500 प्रोवाइड करूंगा और सेल्स में से आपको कम से कम 100 प्रोवाइड करूंगा. या तो आप खुद क्रिएट कर लेना सेल्स, ये भी चलो एक चैलेंज दिया, आप सेल्स डेटा खुद से बनाओ यूजिंग वॉकिंग डेटा. ठीक है, दिस इज योर चैलेंज. सो यू विल गेट वॉकिंग डेटा अप टू 500 रोज एंड यू हैव टू क्रिएट 20% कन्वर्जन इन दैट 5 वॉकिंग्स. मतलब आपको कम से कम 100 सेल्स इन डेटा मिलेंगे. सो यहाँ पे बॉस हमने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली हमने क्या समझा अभी के टाइम पे, लेट मी कम, यहाँ पे हमने डेटा को समझा, बिजनेस को समझा, राइट. ये मैं बिजनेस समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैंने काम किया है ना. डैशबोर्ड, अब इसके अब हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे. कम बैक, फाइनली वी हैव अंडरस्टूड द बिजनेस डेटा इन वेरी वेल. नाउ विल बी क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड, राइट. सो डैशबोर्ड बनाने के लिए मैं पावर बी ओपन कर लूंगा और मैंने जैसे कहा कि मैं आपको वो सब चीजें नहीं सिखाऊंगा, डेटा मॉडलिंग ये सब यू कैन क्रिएट सेपरेटली. यहाँ पे मैं चाहूँ तो अभी जा करके ना इन सबका अलग अलग डिम क्रिएट करूँ, फैक्ट अलग क्रिएट करूँ, जो नंबर रिपीटेटिव उसको अलग करूँ, राइट. सोर्सिंग मैनेजर इधर भी है, सोर्सिंग मैनेजर सेल्स में भी है, तो उसकी जरूरत नहीं है. यू कैन सिंपली क्रिएट फैक्ट एंड डिम टेबल. लेकिन यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मुझे ये चीज आता है इसलिए क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली डेटा में यूज करने वाला हूँ, राइट. सो बट यू हैव टू डू दिस. सो फॉर दैट यू हैव टू वॉच दैट वीडियो विच हैव ऑलरेडी अपलोडेड, डिम एंड फैक्ट टेबल, डिमेंशन एंड फैक्ट टेबल का वीडियो है, वो देखना है, या तो डेटा मॉडलिंग देखना ही देखना है बॉस, 9 और 25 मिनट्स का, अदरवाइज आप नहीं बन सकते. कोई ऐसा नहीं कि शरबत में मेरे पास आप ज्वाइन करोगे मेरा क्लास और मैं आपको दे दूंगा आपको आ जाएगा, बिल्कुल नहीं. ये चीज करो ऑटोमेटिकली यू आर लर्निंग, राइट. नाउ लेट्स कम बैक हियर. सो मैं यहाँ पे पहले डेटा ले आता हूँ, लेट मी गेट द डेटा. सो मेरा वॉकिंग डेटा है ये, वॉकिंग डेटा मिल गया है. नाउ इट्स कमिंग बैक टू दिस, इज दैट ओके. सो ये मेरा टैब है जिसमें मैंने 50,000 रुपये खर्चे करके लिखने वाला सब, जिसमें लिखता हूँ इनसाइट क्या क्या निकालना है आपके लिए. सो इसके अंदर मैंने सब इनसाइट लिखा है. सो ये जो डैशबोर्ड बनने वाला है पूरा लाइव बनने वाला है, ये सारा का सारा डैशबोर्ड क्रिएट होगा. सो इसमें तीन पार्ट में हम डिवाइड करने वाले हैं, एक आपका वॉक इन एनालिसिस होगा, एक आपका सेल्स डेटा एनालिसिस होगा, एंड थर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके हम देखेंगे, राइट. क्योंकि रियल स्टेट में इतना ज्यादा टैक्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल रहता है. सो लेट्स टेक्स ओनली वॉक इन डेटा एंड सेल्स डेटा. मैं यहाँ पे कोई भी चीज डी मैन्युफैक्चरेबल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे कस्टमर आईडी इधर भी और सेल्स में भी है, दोनों अपने आप डेटा मॉडलिंग हो जाएगा. तो मैं लेकिन आपको कह रहा हूँ आप करो, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, आप समझोगे तभी ये कर पाओगे, ठीक है. पानी पी लेता हूँ, बाहर से आवाज आ रहा है. सो आई एम स्पेंडिंग माई दिवाली with recording this video so that lot of people can learn and Diwali khatam uske baad fir se office because I work on Monday to Saturday job hai uske baad ye bhi karta hu ki apne bhi life mein kuch goal hai apne bhi kuch karna hai right but I do not hamper where I work right I always believe jahan pe main jis cheez ka kaam kar raha hu imandari se halal tarike se unka kaam wahan pe 8 ghanta to 8 ghanta unka kaam karu I am not going to jo mera kaam hai wahan pe wo nahi karta hu main आई डो नॉट वॉन्ट टू इंटरफेयर एनी वर्क. मेरे वर्क की वजह से उनका काम अफेक्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज दे आर पेइंग मी, राइट. दे आर सपोर्टिंग मी, सो आई अप्रिशिएट देम, राइट. ये आपका ड्रीम है, आपका गोल है, आप रात में जागो, दिन में जागो, कुछ भी करो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, आप देखो यहाँ पे कोई चार्ट वार्ट नहीं बनाया भाई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या लिखा है, ये सारे के सारे अपने हैंड राइटिंग में लिखा है, वॉक इन, ये सब मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ. तो पहला इनसाइट हम निकालेंगे. देखो मुझे डिजाइन करने नहीं आता है, आई एम नॉट अ डिजाइनर. आई कैन आस्क समबडी टू डिजाइन, आई कैन पे हिम, आई थिंक 1500 रुपये में पूरा डिजाइन करके दे देगा, 1000 रुपये में, राइट. लेकिन मुझे डिजाइन करने नहीं आता है, सो आई कैन ओनली प्रोवाइड इनसाइट कंसल्टेंट. मुझे वो बनना पसंद है क्योंकि डिजाइनर को सैलरी कम होती है, राइट, कंसल्टेंट को ज्यादा होती है. सो सबसे पहला सीएसमओ वॉक इन डेटा से समझना चाहता है कि नंबर ऑफ वॉक इन्स कितने हैं. वो काउंट तो नहीं कर सकता हम जाकर एक्सेल में फॉर्मूला लगाया ऐसा, मैं काउंट नहीं कर सकता भाई. आपके पास टेक्नोलॉजी काउंट करो यहाँ पे. सो आई विल बी यूजिंग अ 10. देखो यार मैं लाइव बना रहा हूँ, यहाँ पे रॉन्ग भी हो सकता है. वॉक इन में से मैं नंबर ऑफ वॉक इन्स
ओ, यहाँ पे कुछ कॉलम्स कहाँ से आगे? ओके पहले मुझे यहाँ पे जाकर के ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. वेयर इज दैट ट्रांसफॉर्म डेटा? मेक फर्स्ट रो एज अ हेडर. सेव किया था मैंने आई थिंक. ओके मेक फर्स्ट रो एज अ हेडर, यूज दिस एज अ फर्स्ट रो, राइट? उसमें भी आया गया है भाई अपने आप का. हाँ ठीक है, अभी ठीक है, नाउ इट्स फाइन. ठीक है, सो आई हैव डन डेटा क्लीन एवरीथिंग. मैं आपको 9 या 25 मिनट्स की वीडियो में समझ में आ जाएगा भाई वो सारा का सारा चीज मुझे आता तब यहाँ पहुंचो. ठीक है, अभी चेंज हो जाएंगे, सब चेंज, राइट? एंड आई थिंक ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पारेटो एनालिसिस और वेरिएंस एनालिसिस पे रहेगा, क्योंकि क्यूएसआर में थोड़ा हैंग हो गया था, मेरा सिस्टम अभी काम कर रहा है, राइट? आई विल बाय अ न्यू लैपटॉप व्हेन आई विल क्रॉस 50,000 सब्सक्राइबर, क्योंकि भाई पैसे नहीं है, अभी तक मैं फ्री में बना रहा हूँ. क्लास भी नहीं ले रहा, आपको पता है, लॉट ऑफ पीपल कॉन्टैक्ट मी, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है एंड दे नो जिनकी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग आती है. लेकिन मैं ले नहीं रहा बिकॉज आई एम ऑन मिशन. पहले हम सिखाएंगे, पैसे के बाद बाद में भागेंगे, पैसे के पीछे बाद में भागेंगे. कस्टमर आईडी ले लेते हैं. कस्टमर आईडी हमने ले लिया है, अभी कस्टमर आईडी शायद यहाँ पे क्या करेगा, लेट्स सी. इट्स व्हाई इट इज स्लो यार, ये सिस्टम स्लो है ना मेरा यार, इसको वैसे मुझे अफसोस होता है. अच्छा 2,500. अच्छा देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, काउंट ऑफ कस्टमर, तो 2,500 तो आपको पता है मैंने वहां से दिखाया था 2,500. अब इसका रीनेम करना है एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल सॉरी नंबर ऑफ वॉकेंस, यहाँ पे जाकर के मैं टाइटल जो है इसको चेंज कर सकता हूँ, वॉकिन, तो नंबर ऑफ वॉकिन लिख देते हैं, नंबर ऑफ वॉकिंस, इसको हम ले आते हैं सेंटर में. यू कैन डू बोल्ड एनीथिंग, यू वांट टू इंक्रीज द साइज, यू वांट टू कॉल आउट वैल्यू को, अगर ये करना है तो आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इसको नीचे लाना ले सकते, ला सकते हो. भाई मैं डिजाइनर नहीं हूँ, ट्रस्ट मी, मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि भाई सीएसएम को देखना है ना. ओके अरे सबसे पहले तो एक चीज और, यहाँ पे सबसे पहले हमेशा डेट लेना है भाई. ओ सॉरी, कंट्रोल जेड उसमें चला गया, साइड में क्लिक करके लेना है. तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डेट. अब यहाँ पे जो डेट है मैं वॉक इन का है, क्योंकि दोनों में डेट तो है भाई, राइट? तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ईयर, नहीं डेट ही ले लेता पूरा. सो यहाँ पे डे को हटा, मंथ को हटाओ, क्वार्टर को हटाओ, ओनली ईयर आई एम टेकिंग. अच्छा यहाँ पे ईयर, अच्छा समझ गया, यहाँ पे ईयर नहीं, यहाँ पे हम क्वार्टर और मंथ लेंगे. तो यहाँ पे ईयर तो हमको मालूम है कि ये पूरे एक साल का डेटा है, मतलब सिर्फ 2024 का ही सेल्स का डेटा है. तो आप यहाँ पे ये ले सकते हैं, तो इसमें जो भी आपको ऐड करना है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल इसको हम थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर, थोड़ा बहुत तो हम भी कर सकते हैं, वर्टिकल की जगह पे ड्रॉप डाउन कर देते हैं कि क्वार्टर वन क्वार्टर टू, राइट? यहाँ पे मैंने क्वार्टर वन क्वार्टर टू का बनाया, तो यहाँ पे मुझे क्वार्टर वन में कितना वॉकिंस हुआ है ना वो मिल जाएगा, देख रहे हैं? क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर. आप एक चीज देखो, क्वार्टर फोर में ज्यादा है, क्वार्टर थ्री में भी मतलब थोड़ा है, क्वार्टर टू में कम है, क्वार्टर वन में क्या हुआ है? बिकॉज आपकी इंडिया में, हमारे यहाँ पे दिवाली अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इसको कहते हैं ओ एन डी, तो यहाँ पे सेल्स सबसे ज्यादा होता है. तो आप ये चीज वेरीफाई कर सकते हो कि सबसे ज्यादा वॉकिंग्स आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर में होते हैं, और उससे पहले जुलाई और इसमें होता है, बारिश का टाइम होता है, राइट? सो वॉकिंग्स बहुत होते हैं वहां पे, तो ये चीज आप वेरीफाई कर सकते हो स्क्रीन पर जाकर के कंपनी का सेल्स क्वार्टरली देख करके. सो ये इस तरह का लॉजिक मैंने डेटा में बैठा है कि वो डेटा परफेक्टली बैठे, राइट? सो आप इसको टाइल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो. सो आई डोंट रिमेम्बर द टाइल्स फिनिशिंग, जैसे भी करना है डेटा फॉर्मेट जो भी है आप कर लेना, ठीक है? वॉकिंस मैंने यहाँ पे दे दिया है. उसके बाद है हाईएस्ट फ्लो मंथ नेम, सबसे ज्यादा कौन से मंथ में आया है वो भी चीज देखना है. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, देखो भाई मैं रैंडमली क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बेसिकली मंथ लेने वाला हूँ. एक चीज यहाँ पे जाकर के मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा पहले. अब ये सब चीजें मैं आपको यहाँ बता, ये सब चीज नहीं बताना, मैं शॉर्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है. सो आई एम नॉट हियर टू शॉर्ट, आई एम नॉट हियर टू टीच यू अगेन. सो मेरा मंथ नेम किधर है? मंथ नेम, मंथ नेम, मंथ, अच्छा सेल्स है, वॉकिंग्स में आते हैं. मंथ नेम दिस, आई वॉन्ट टू शॉर्ट दिस बाय मंथ नंबर, क्योंकि भाई
मशीन को बाइनरी समझ में आता है, नंबर समझ में आता है, टेक्स्ट समझ में नहीं आता है। सो मंथ नंबर का है, मंथ नंबर ये रहा। अब ये क्यों कर रहा हूं ना, अगर मैं ये नहीं करता तो आपका अगस्त सितंबर कहीं भी आता था। अच्छा एक मिनट, अगर मैं वो पहले ही कर लेता था। अच्छा मैं एक चीज में दिखा, अच्छा ठीक है, ये वॉक इन का चेंज किए थे ना हमने, तो मैं वॉक इन की जगह पे आपको ले चलता हूँ सेल्स केस में। मंथ वॉक इन किधर गया भाई, वेयर इज वॉक इन, हाँ वॉक इन। सो यहाँ पे एक कॉमन वैल्यू आपको बता रहेगा, कॉमन वैल्यू करके मैंने लिखा था, ये कॉमन वैल्यू उसी के लिए था। वाई एक्सिस पे डाल देते हैं, एंड ये था आपका मंथ, मंथ नेम कौन सा सेल्स का ले लेते हैं, मंथ नेम बुकिंग, मंथ नेम ओके। अच्छा ब्लैंक वाले भी आ गए, ब्लैंक वाला वैल्यू डिलीट मारना पड़ेगा एक बार यार, किधर गया। अच्छा एक मिनट, सेल्स का क्यों लिया मैंने यहाँ पे, सेल्स का हटाओ, सेल्स में मंथ नेम नहीं है क्या, मंथ मंथ नेम बुकिंग मंथ नेम है तो। अच्छा बुकिंग मंथ नेम ले लेते हैं, और इसी के अंदर से ना एक काम करते हैं ना, इसमें जो कस्टमर आईडी ले लेते हैं वो ले लेते हैं, कहाँ कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी 10 ओके। आप देख रहे हो, और ये मैं इसको क्लीन करता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो नवंबर अक्टूबर जुलाई कुछ भी आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई। यहाँ पे इसको मैं, अगर आप अलाइन करना चाहते हो बुकिंग मंथ नेम वाइज भी करो, दिख रहा है ऊपर नीचे आ रहा है। सो आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस, ये सेल्स का, क्योंकि मैंने एक्चुअली वॉक इन्स का सॉल्व कर दिया है, इससे वॉक इन्स का है ठीक है। तो वॉक इन्स के अंदर ऐसा इशू आ रहा है, तो ये मुझे क्या करना है ना भाई, वॉक इन्स का ये सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे जा करके शॉर्ट बाय मंथ नेम्स किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, किसका सॉल्व किया था हमने, दिस वाज शॉर्ट बाय, हाँ मंथ नंबर किया हुआ है, वॉकिंस के अंदर में ले लेते हैं ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे इसको हटाते हैं, देखा कैसा टेढ़ा आ रहा था, इसको हटाते हैं। नाउ विल टेक वॉकिंस का, वॉकिंस के अंदर में मंथ नेम, ये दिस इज मंथ राइट, नाउ दिस इज योर वॉकिंस कस्टमर आईडी, वॉकिंस के अंदर का ये देखो, देख रहा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर, लाइन से आया राइट। यहाँ पे अक्टूबर पे सबसे ज्यादा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि अक्टूबर में दिवाली होता है, उससे पहले लोग शुभ मुहूर्त कंसिडर करते हैं परचेस करना राइट। सो यू कैन सी दैट इजिली कि दिस इज वाई आई हैव, वहां पे मैंने शॉर्ट किया था ताकि प्रॉपर आए, क्योंकि जनवरी फरवरी को लाइन से अगर लाना है तो उसको शॉर्ट बाय कॉलम करना पड़ेगा, जो कि मैंने वहां पे नंबरिंग प्रोवाइड किया था। सो ये मैं यहाँ पे एक इनसाइट रख देता हूँ ठीक है, ऑल क्वार्टर्स भाई रैंडमली बना रहा हूँ, डिजाइन नहीं कर रहा हूँ। वॉक इन लोकेशन एनालिसिस, कौन से लोकेशन से सबसे ज्यादा वॉक इन आए हैं, दैट है कौन सा। तो यहाँ पे सीएसओ को मालूम पड़ेगा भाई मेरे अक्टूबर के अंदर में बहुत सारे वॉक इन हुए थे, और एक फिर उसके बाद दिसंबर नवंबर दिसंबर और एक जुलाई और मार्च में ठीक है। फिर यहाँ पे लोकेशन वाइज वॉक इन, तो यहाँ पे लोकेशन लेजेंड में लोकेशन, एंड यहाँ पे कस्टमर आईडी ले सकते हो या कॉमन वैल्यू ले सकते हो, कुछ भी लो, क्योंकि मैंने वो उसी के लिए क्रिएट किया था, कॉमन वैल्यू 11111 राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा कि 31% आपके जो कस्टमर्स आए हैं आपके प्रोजेक्ट, एक चीज याद रखना रियल स्टेट के अंदर में जो भी प्रोजेक्ट्स आप लॉन्च करते हो ना, सो एक फेनोमेना है कि अगर आप घाटकोपर में, फॉर एग्जाम्पल आई स्टे इन घाटकोपर राइट, सो घाटकोपर में रहता हूँ, तो घाटकोपर में अगर ईस्ट में प्रोजेक्ट आ रहा है और मैं वेस्ट में अगर रहता हूँ, तो मैं ईस्ट का प्रोजेक्ट परचेस नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आई एम फेमिलियर विद घाटकोपर वेस्ट, सो आई विल बाय ओनली घाटकोपर वेस्ट में जो प्रॉपर्टी है राइट। सो मेजोरिटी ऑफ द फ्लो यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्रोजेक्ट कांदीवली में, जो यहाँ पे जो लोकेशन में सबसे ज्यादा लोग आए हैं वो कांदीवली गोरेगांव मलाड एंड बोरीवली, दीज अकाउंट्स आई थिंक ऑलमोस्ट ये 31% 11% एंड दिस इज 10% राइट। इस तरह का डेटा बना करके दिखाओ, चैट जीपीटी बना के आपको नहीं देगा राइट। सो ये लॉजिक के ऊपर है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ माई कस्टमर वॉक इन हैड हैपेंड फ्रॉम द पर्टिकुलर 3 लोकेशन, तो मैं सबसे ज्यादा टारगेट कहाँ पे करूंगा, डिजिटल कैंपेन इन लोकेशन पे अपने प्रोजेक्ट को दबा करके डिजिटल मार्केटिंग को बोलूंगा भाई बेच यहाँ पे राइट। सो ये एक इनसाइट मैंने आपको यहाँ दिया, लेट मी इसका लेजेंड बंद करते हैं क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है ना।
ठीक है, मैं इसी तरह की इसे रख रहा हूँ भाई, प्लीज प्लीज कंसिडर दिस। और यहां से मैं कोई भी क्वार्टर क्वार्टर टू का देखें, चेंज हो रहा है, ठीक है। यू कैन इजीली चेक दिस इन एवरी क्वार्टर, जो पूरे साल का था तो उसको मैं पूरे साल का ले रहा हूँ। फिर नेक्स्ट बोला है भाई, अगर ये बंदे लोग जो देखने आए हैं वो कौन से टोपोलॉजी के देख रहे हैं, मतलब 1 BHK ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि 2 BHK। इसको ही कंट्रोल सी करता हूँ मैं, फटाफट बनाऊंगा अब, क्योंकि ये सब चीजें थोड़े से मैं कह सकता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप है, क्योंकि रियल स्टेट में आपको अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या देखने ज्यादा है लोग, वॉकिंस। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, वॉकिंस की जगह पे या लोकेशन की जगह पे ना कॉन्फिगरेशन डाल देता हूँ। तो यहाँ पे रुक जाओ 1 मिनट, 1 2 नहीं 1 मिनट, 1 कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन उसका नाम क्या था डेटा का, देखो इस तरह से आपको डेटा खोल के चेक करना पड़ता है। कॉन्फिगरेशन इसका नाम क्या है भाई, कॉन्फिगरेशन ही नाम है इसका, तो फिर क्यों नहीं आ रहा उधर कॉन्फिगरेशन, कुछ और भी है क्या। ओके ओके 1 मिनट, कस्टमर आईडी कॉन्फिगरेशन तो मेरा 1 BHK 2 BHK पे दिख क्यों नहीं रहा उधर, दो बार आ गया इधर, दस 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 लेजेंड मेरा कॉन्फिगरेशन है, ठीक है, एंड कस्टमर आईडी, यस। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इजीली कि भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग खरीदने के लिए 2 BHK आए हैं 52%, और 34% आपका 1 BHK खरीदने वाले आए हैं, मतलब ज्यादातर लोग यहाँ पे 2 BHK देख रहे हैं। अब क्यों देख रहे हैं ये आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा, और ये आप डेराइव कर सकते हो सीवी या कोई भी रिपोर्ट आप डाउनलोड करो इक्विटी का, रियल स्टेट इंडस्ट्री में। एक रिपोर्ट मैं आपको अटैच करूंगा जो मुझे 150 पेज का, आई थिंक JLL का था, वो मैं आपको भेजूंगा, उसमें आप देखोगे तो इंडिया में या मुंबई में कहीं भी ज्यादातर 2 BHK और 3 BHK ऊपर का फ्लैट ही परचेस कर रहे हैं, मतलब इंडिया में भी प्रीमियमाइजेशन चल रहा है, लग्जरी प्रोजेक्ट को प्रेफर कर रहे हैं। उसके बाद आपका 1 BHK है एंड 3 BHK एंड 4 BHK डेफिनेटली, क्योंकि 3 BHK 4 BHK और महंगे होते हैं, राइट। तो यहाँ से मुझे ये मालूम पड़ेगा। फिर वॉकिंस मेरे और क्या देखना, मतलब 2 BHK और 3 BHK ही ज्यादातर इस लोकेशन में लोग प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। फिर यहाँ पे जो देख रहे हैं प्रोजेक्ट ये लोग, वो अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि आपका रेडी टू मूव इन देख रहे हैं, राइट, वो भी समझना है। यहाँ पे ये हटा करके यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप डाल देता हूँ। प्रॉपर्टी टाइप कहाँ है मेरा, प्रॉपर्टी टाइप, प्रॉपर्टी ये रहा, राइट। यहाँ पे ज्यादातर लोग अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, और रेडी टू मूव इन आपको पता है कि एक्सपेंसिव है। जब कोई आप फ्लैट परचेस करते हो अंडर कंस्ट्रक्शन तो आपको सस्ते में मिलता है, क्योंकि 2 2.5 साल के बाद आपको मिलेगा, इसलिए आपको सस्ता, लेकिन जब वो बन के रेडी हो जाता है तो उसका वैल्यू ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे 75% ऑफ द पीपल, 69.8% ऑफ द पीपल आर लुकिंग फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एंड 2 BHK इज देयर प्रेफरेशन, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग फ्रॉम कांदिवली, गोरेगांव एंड दिस। देखा इन तीनों को किस तरह से लिंक करके दिया मैंने आपको यहाँ पे। अब और लिंक करते हैं, बहुत सारे टोटल 20 स्लाइड्स हैं। फिर है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी लुकिंग फॉर, क्या था ये, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, ओके। सो यहाँ पे इसी को कॉपी करते कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड मतलब अब ये जो कस्टमर है, अब यहाँ पे जो आप चाहो तो यहाँ पे पाई चार्ट भी बना सकते हो, या आप चाहो तो अलग चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे चाहता हूं तो मैं यहाँ पे डोनट्स भी क्रिएट करूँ, कर सकते हैं आप अलग अलग कर सकते हो, राइट। लेकिन हर एक चार्ट को कब यूज करना है ना, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है कि कौन सा चार्ट कब यूज करना है। तो फिलहाल के लिए ये चार्ट यहाँ पे सूट हो रहा है, इसके लिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे था मेरा क्या, दिस सॉरी, पीपल आर लुकिंग फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन, एंड नेक्स्ट इज पर्पस, सेल्फ यूज के लिए इन्वेस्टमेंट। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम यू विल फाइंड 68% ऑफ द पीपल जो यहाँ पे घर खरीद रहे, जो ये वॉकिंस आए हैं, उसमें 68% लोग सेल्फ यूज के लिए देख रहे हैं, मतलब पर्सनल के लिए देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए लोग 32%, मतलब आपकी कंपनी में सीएस में कोई डिजाइन करना पड़ेगा भाई, इन्वेस्टर भी हमारे प्रोजेक्ट आकर के देख रहे हैं, उनको किस तरह से हम एक अट्रैक्टिव पिच डेक क्रिएट करें कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो तो आपका क्या फायदा है, राइट। दिस इज हाउ कम्स इनसाइट, आपको ये डिराइव करना है। नेक्स्ट और क्या है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट करने का है वॉक इन एथनिसिटी, मतलब जो आपके पास इस लोकेशन से खरीदना है वो गुजराती है, मारवाड़ी है, बनिया है, जो भी है यहाँ पे, राइट, इतने सिटी। तो यहाँ पे मैं इतने सिटी डाल देता हूँ, कहाँ गया इतने सिटी, इतने सिटी, इतने सिटी, ये रहा, यस। सो यहाँ पे 30% ऑफ द बायर इज गुजराती, ऑफ कोर्स ये डेटा मैं जिस तरह से बना के आपको दिया हूं ना, ये एक्चुअल मैंने सब डेटा एनालाइज करने के बाद, मतलब जब 45 डेज 30 डेज सॉरी 60 डेज करने के बाद ये
मुंबई के अंदर में या अक्रॉस इफ यू सी द गुजराती जैन शाह दे आर द रिच पीपल. सो गुजराती इज 30% विजिट, जैन इज 25%, हिंदू मतलब आपका यहाँ पे नॉर्मल जितने भी हिंदूज इसके अंदर आ जाते हैं, उसके बाद मारवाड़ी एंड द क्रिश्चियन एंड द मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के 2% है क्योंकि मुस्लिम्स इतना नहीं कमाते हैं. सो यहाँ पे सिंपल है बिकॉज दीज आर जैन गुजराती आर बिजनेसमैन एंड दे ऑलवेज लुक फॉर अपग्रेडिंग देमसेल्फ फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग, राइट. सो यहाँ से ये डेटा मिलता है. सो मुंबई में जितने भी प्रॉपर्टीज के आप अगर एनालिसिस करोगे, यू विल फाइंड मेजोरिटी ऑफ द टाइम द प्रोजेक्ट इज ज्यादातर, जैसे कि आप एक प्रोजेक्ट है पिरामल अरण्य एंड आई थिंक इन भाईकला साइड में, यू विल फाइंड देयर आई थिंक मेजोरिटी जैन इज द बायर. लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अ खान एंड अंसारी, मतलब वो लोकेशन में मुस्लिम ज्यादा है तो दे ऑल्सो बाय, राइट. द प्रॉपर्टी इज फैंटास्टिक. सो यहां से मुझे ये मालूम पड़ गया, यू कैन चेंज द हेडर नेम एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, लेट मी बिल्ड समथिंग एल्स. सो यू कैन टर्न दिस इनटू कॉलम एंड समथिंग, जो भी आपको करना है. तो यहाँ पे मुझे मालूम पड़ जाता है कि ज्यादातर बायर मेरे यहाँ पे वॉकिंस वाले गुजराती. अब गुजराती जैन दे डोंट ईट नॉन वेज थिंग्स. सो आपके लोकेशन प्रिमाइसिस में क्या ऐसा कुछ है जहाँ पे मटन शॉप है, राइट. हाउ इज द लोकेशन इज क्लीन और नॉट, हाउ इज द सराउंडिंग ऑफ द पीपल, एवरीथिंग विल हैव टू कंसिडर, राइट. जब ये सब आप देखते हो क्योंकि दे विल प्रिफर, जब इतना पे कर रहे हैं दे विल लुक फॉर बेटर लोकेशन, बेटर सराउंडिंग, एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक, कनेक्टिविटी एंड एवरीथिंग. सो ये इनसाइट्स आपको देने हैं. उसके बाद ये मालूम पड़ गया, राइट. ये चार्ट में बनाओ, उसमें बनाओ, किसी में बना सकते हो. नाउ नेक्स्ट थिंग इज द सीएसओ वांट्स टू अंडरस्टैंड वॉक इन टाइप, डायरेक्ट और चैनल के, मतलब मेरे पास जो कस्टमर आए हैं वो वॉकिंस आए हैं, डायरेक्ट आए हैं कि चैनल पार्टनर के थ्रू आए हैं, राइट. क्योंकि उससे उनका पैसा बचेगा ना बॉस. सो यहाँ पे पर्पस को हटा करके यहाँ पे कर देते हैं दिस लीड मोड, नहीं लीड मोड की जगह पे आपके पैरेंट सोर्स दिस इज. तो यहाँ पे आप देखोगे 67.48% ऑफ द टाइम चैनल पार्टनर ही आपके प्रोजेक्ट के ऊपर विजिट करवाए हैं, बाकी डायरेक्ट वॉकिंग 32% लोग आए हैं. क्योंकि सिर्फ चैनल पार्टनर आपका सर बहुत खाते हैं, एक बार आपने नंबर दे दिया तो 50 बार कॉल करेंगे. इसके लिए मैं आई प्रीफर डायरेक्टली वॉकिंग बिकॉज आई अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ नाउ दिस मार्केट. सो यहाँ पे लेकिन पूरे मार्केट में 70% ऑफ द सेल्स, भले वो लोधा हो, रुस्तम जी हो, गोदरेज हो, कोई भी कंपनी हो, 70% ऑफ देयर बिजनेस, 65% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम चैनल पार्टनर. तो चैनल पार्टनर को हमेशा खुश रखना पड़ता है, टाइम पे कमीशन देना पड़ता है. नेक्स्ट इज उनको ये मालूम पड़ गया, उसके बाद दे आर लुकिंग फॉर मोस्ट वॉकिंस ब्रॉड बाय एसएम, मतलब ये जो चैनल पार्टनर को कौन कनेक्ट करता है, क्लोजिंग मैनेजर डायरेक्टली बात नहीं करता, सोर्सिंग मैनेजर होता है जो कि चैनल पार्टनर को अपने ऑन बोर्ड पे लाना पड़ता है. कि भाई एक सोर्सिंग मैनेजर के पास कम से कम 50 से 60 चैनल पार्टनर का कनेक्ट होता है. तो किसने इतने सारे चैनल पार्टनर को लाया या वॉकिंग हुआ तो किसके थ्रू सबसे ज्यादा हुआ. सो यू कैन चेक दिस आउट यहाँ पे सोर्सिंग मैनेजर. तो आई कैन पुट हियर सोर्सिंग मैनेजर, राइट. सो लेट मी इसको इस तरह से नहीं रखना है, दिस विल इन टू दिस चार्ट समथिंग. सो यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि भाई इतने सारे जो वॉकिंग्स करा है ना आपकी कंपनी में, वो कौन सा सोर्सिंग मैनेजर जो सबसे ज्यादा वॉकिंग्स करा रहे हैं, न्यू वॉकिंग्स करा रहे हैं, ओल्ड वॉकिंग करा रहे हैं. अगर आप वो चाहते हो तो वो भी मैं बना सकता था डेटा, पर इतना टाइम नहीं है बॉस. यहाँ पे आपके कंपनी में टोटल कितने सोर्सिंग मैनेजर, 1 2 3 4 5 जो भी, आई थिंक 17 18 कुछ सोर्सिंग मैनेजर हैं आपके पास. उसमें से सबसे ज्यादा वॉकिंग करा रहा है वो बंदा है आपका 269 काउंट है इसका, जानवी मदन. ऑफ कोर्स लड़की है. रियल स्टेट इंडस्ट्री में एक चीज आप देखोगे कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम व्हेन यू विल विजिट द सेल्स ऑफिस यू विल फाइंड गर्ल्स, राइट. बिकॉज दैट इज द साइकोलॉजी, आप इसको सही करो या गलत करो, बट टू कीप दैट पीपल एंड टू यू नो कि भाई देखने आया है. सो बहुत सारे तो टाइम पास के लिए चले जाते हैं देखने, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट यू कैन अंडरस्टैंड. जानवी मदन इज 269 वॉकिंस करवाए हैं, दामिनी ने 219 एंड आयशा दत्ते ने दिस 144. सो यू विल कम टू नो कि ये आपके टॉप परफॉर्मर सेल्स मैनेजर्स है, राइट. सॉरी आपके सोर्सिंग मैनेजर है. सेकेंडली दे वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड कि भाई क्लोजिंग मैनेजर जो वॉक इन के बाद जो क्लोजिंग मैनेजर है वो कौन सा क्लोजिंग मैनेजर है कि एक्चुअली उनके पास है. सो आई कैन चेंज दिस एंड ब्रिंग दिस टू क्लोजिंग मैनेजर, वेयर इज दिस क्लोजिंग मैनेजर ने कितने वॉक इन्स को अटेंड किया है,
Where is this sourcing, closing, closing, closing manager? This, say this. तो क्लोजिंग मैनेजर तो आपके पास कम रहेगा क्योंकि क्लोजिंग मैनेजर को आप सैलरी ज्यादा देते हो, क्योंकि एसएम वाले वॉकिंस और सीपी के बीच में डिस्कशन होता है, वो पोटेंशियल लगता है तो वॉकिंस के पास आता है। तो वर्तिका भटका भक्ता, इसने 528 वॉकिंस जो आए। अब यहाँ पे वॉकिंस हैं, ये एक डेटा थोड़ा सा मैं कहूंगा तो मिसलीडिंग है, क्योंकि वॉकिंस में से क्लोजिंग मैनेजर के पास पहुंचना बहुत कम होता है, लेकिन 90% का टाइम पहुंचते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा 2500 ही डेटा यूज किया है। तो वर्तिका उर्वी दे आर अटेंडिंग मोर, मे बी अदर लोग छुट्टी पे हो, ऐसा भी हो सकता है मे बी। उसका जो पीच है वो काफी फास्ट है और काफी अच्छा है, फटाफट कन्वर्ट करते हैं, एंड मे बी दिस एस एम माइट बी अप्रोचिंग टू दिस। सो वॉट आई कैन डू, आई कैन डू दिस ईयर एंड आई कैन पुट हायरार्की वी कैन क्रिएट एसएम के अंदर में, राइट? वी कैन क्रिएट द एसएम हायरार्की विद इन दिस, मतलब इन सोर्सिंग मैनेजर के अंदर में। अगर मैं यहाँ पे, कैन वी डू दिस? आई डोंट थिंक सो, वैल्यू के लिए पॉसिबल होगा। ओके, सो यहाँ पे सोर्सिंग मैनेजर तो एक्स एक्सिस में पॉसिबल है दिस विल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सोर्सिंग मैनेजर को इसमें और क्लोजिंग मैनेजर को ले जा करके वी कैन डू द वॉकिंग्स, मतलब कौन सोर्सिंग मैनेजर के अंदर में, एक सोर्सिंग मैनेजर, एक क्लोजिंग मैनेजर के अंदर में कितने एसएम आते हैं, मतलब आपका एक क्लोजिंग मैनेजर होगा, उस क्लोजिंग मैनेजर के अंदर में 5 सोर्सिंग मैनेजर होंगे, राइट? तो वो कितने वॉकिंग्स उसको ला करके दे रहे हैं, दैट इज द इनसाइट यू शुड हैव टू थिंक। ठीक है, देखो कितने सारे इनसाइट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा का सारा चीज आपको कैलकुलेट करना है, मैं लाइव कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर मैंने बनाया रहता अच्छे से पहले से कहीं देख करके तो बात अलग होता। तो ये पेज फुल हो गया, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। लेट मी, नेक्स्ट पेज पे यू हैव टू कीप क्वार्टर्स, ये मुझे सेम रखना है। अब यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 जो भी देखना है आप देखो, एवरीथिंग विल चेंज, राइट? तो आप डिसाइड कर सकते हो किसको इंसेंटिव देना है किसको नहीं देना, राइट? आपके टीम में कौन परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, एंड यू विल कम टू नो कि भाई ये दोनों बंदे को तो फायर नहीं करना है, राइट? दिस वाज फॉर, सॉरी, सोर्सिंग मैनेजर के जरिए, राइट? सो ये आपके काम के और किसको निकालना नहीं निकालना। तो दे विल कम टू इजीली कि भाई वॉकिंग इतने करा रहा है, ये बंदा करा रहा है, ये थोड़ी ना करा रहा, तो काय को मैं सैलरी दे रहा हूँ। सो लेट मी यूज दिस, लेट मी कॉपी दिस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दिस इज वन पार्ट ऑफ पावर बी आई, यहाँ पे जो है जो मैं आपको ले रहा हूँ, एंड देर आर लॉट ऑफ। इसके बाद जो ऑटोमेशन पावर भी है वो तो 2 2.5 घंटा उसमें जाएगा, 2 घंटा ही लेगा, 2 घंटा वो लेगा। फिर नेक्स्ट है मोस्ट वॉक-इन्स, सॉरी, वॉक-इन विजिट टाइप, मतलब टाइप ऑफ विजिट क्या है। दे वांट टू अंडरस्टैंड कि जो विजिट हुआ है वो किस टाइप के, फर्स्ट टाइम है, सेकेंड टाइप है, थर्ड टाइप है। सो यू कैन कंसिडर दिस, एक कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ लिया। तो 2500 में जो वॉक इन हुआ है वहां पे किस टाइप के, विजिट टाइप, तो मैं यहाँ पे विजिट टाइप लिखता हूँ, शायद विजिट टाइप से ही रहेगा। अभी आपका वॉक इन एनालिसिस चल रहा है, फ्रेश। ऑफ कोर्स आपके यहाँ पे फर्स्ट टाइम बायर ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंड टाइम, राइट? सेकेंड टाइम वाले हैं तो वो तो 1000 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम वाले को सेल्स मैनेजर आसानी से बाटली में उतार लेते हैं, क्योंकि वो नया है, फर्स्ट टाइम बायर करना। ये सब मैं आपको टेक्टिक्स बता रहा हूँ। नाउ कमिंग बैक टू दिस, उसके बाद है एज ग्रुप। ये मैं देखो, अभी एक चीज याद रखना कि ये जो अलाइनमेंट है ये सही नहीं है। अलाइनमेंट मतलब क्या, कि एज ग्रुप शायद इधर ये वाले, इधर ये होना चाहिए था, उधर नहीं होना चाहिए, सेकंड पेज पे नहीं होना चाहिए था। बट आई एम टेलिंग यू द इनसाइट्स, आप क्या क्या निकाल सकते हो, कि मतलब अगर हो सकता है कि जो सीएस में उसको फर्स्ट पेज पे भाई समझना है कि जो मेरे पास ये विजिट हुआ है एज ग्रुप क्या है उसका, वो कौन सा टाइप का क्राउड है, मिलेनियल है या फिर आपका जनरेशन एक्स है या फिर सो ऑन। तो यहाँ पे हम एज ग्रुप टाइप करते हैं, एज ग्रुप आपका सेल्स वॉक इन का डेटा भी आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डीमर फ्रैक क्रिएट नहीं किया, आपको क्रिएट करना और रिप्लेस करना है, एक चीज को एक ही बार रिपीट करना है, ठीक है? उसके लिए वो वीडियो देख लेना आप। सो एज ग्रुप, कौन सा एज ग्रुप सबसे ज्यादा विजिट किया है भाई, तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टी देखना है, ऑफकोर्स कमाने वाले मतलब 25 साल के ऊपर ही रहेंगे। तो यहाँ पे मतलब 2 BHK देख रहे थे लोग। अब देखो कैसे डॉट कनेक्ट करना है, कि यहाँ पे सब चीज, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भाई ये मंथ में सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है, ज्यादातर प्रॉपर्टी टाइप में लोग अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, और यहाँ पे चैनल पार्टनर के थ्रू आया है, ये लोकेशन ज्यादा है, यहाँ पे 2 BHK प्रेफर कर रहे हैं, यहाँ पे 2 BHK के अंदर में भी सेल्फ यूज वाले ज्यादा हैं, राइट? और उसके बाद वो कौन से ग्रुप के जो मेरा ये प्रोजेक्ट खरीदने के ज्यादा इंटरेस्टेड है 2 BHK, तो मे बी 45% ऑफ द पीपल आर कमिंग फ्रॉम एज ग्रुप 36 to 45। मतलब 2 BHK फ्लैट तो महंगा रहेगा ना, 1 BHK सस्ता रहेगा, ये चीज आपको देखना है। तो अगर 2 BHK खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली एज 36 के बाद ही रहेगा भाई, 30 ईयर्स तक तो आप स्ट्रगल करते हो,
एक्सेप्शनल बात नहीं कर रहा हूँ, जो 30 के ऊपर 1 करोड़ सैलरी कमा रहे हैं, मैं एक्सेप्शनल, मैं एवरेज पकड़ रहा हूँ, जहाँ पे 30 ईयर्स में भी लोगों की सैलरी 30 साल तक पहुंचने तक उनकी सैलरी कम से कम ज्यादा ज्यादा 14-15 लाख 16 लाख के आसपास पहुंचती है, या 17 लाख पहुंचती है, राइट। यहाँ पे 25% ऑफ द पीपल आर एज ग्रुप फ्रॉम 25 to 35। अब मुझे पता है कि ये लोग ही ज्यादातर 1 BHK 2 BHK देखेंगे, एक्सेप्शनल फ्यू पीपल विल लुक फॉर 2 BHK, लाइक मैंने देखा 2 BHK, तो हो सकता है, नॉट नेसेसरी 25 की उम्र में आप 2 BHK ना देखो, राइट। उसके बाद और क्या है, ये सारा का सारा देखो इनसाइट इस तरह से निकालना रहता है, और लुकिंग फॉर वॉक इन एज ग्रुप हो गया, लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी टाइप हो गया, एनुअल इनकम ग्रुप, जो ये 2 BHK देख रहे हैं भाई, उनका एनुअल इनकम क्या होगा? अगर 2 BHK देख रहे तो अब महंगा होगा, तो उनका एनुअल इनकम भी ज्यादा होना चाहिए ना। तो लेट्स सी इनका एनुअल इनकम क्या है, जो ये 2 BHK देख रहे हैं, कांदेवली से आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एनुअल इनकम जो देख रहे हैं 2 BHK, वो 25 से 50 लाख है, मतलब अगर आपकी सैलरी 25 लाख है, सो यू कैन टेक ऑलमोस्ट, आई थिंक मेरे केस में मैंने जब फ्लैट परचेस किया था, तो आई कैन टेक रफली 1 करोड़ का लोन मेरे सैलरी पे था, राइट, उस टाइम पे, आज से 2 साल पहले। सो नाउ जो सैलरी उसके ऊपर आसानी से आई कैन टेक 2.5 2 करोड़ की, 2-2.5 करोड़ का मैं लोन ले सकता हूँ। सो यहाँ पे 25 से 50 लाख में ऑफकोर्स आसानी से 2 से 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो लोन पे, क्योंकि जो आपकी सैलरी थी उसका 70% लोग निकालते हैं, और यहाँ पे 50 लाख से 75 लाख वाले सिर्फ 25% है, 0 से 25 लाख के बीच में 22% लोग हैं, सॉरी, हाँ, 550 लोग हैं, और ऑफकोर्स जो 1 करोड़ तक कमाएंगे तो लोग कम ही रहेंगे, और 1 करोड़ के ऊपर जो कमा रहे हो 150 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मालूम पड़ गया है कि भाई जो वॉक इन ग्रुप है उनका एज ग्रुप 36 से 45 है, ऑफकोर्स दे कैन 35 से लेकर 46 के बीच में आप आसानी से 50 लाख की सैलरी से तक तो पहुंच सकते हो, तो इस तरह का जेन्युइनिटी ये डेटा में नजर आ रहा है, यू कैन कन्वर्ट इनटू दिस, राइट। तो मेजोरिटी आपका वॉकर जो है वो इस ग्रुप का, क्योंकि यही लोगों को अपग्रेड करना है 2 BHK खरीदने की, मतलब खरीद सकते हैं ये 1 BHK भी खरीद सकते हैं, 2 BHK भी खरीद सकते हैं, लेकिन 2 BHK ज्यादातर आपका जो जो इनकम ग्रुप रहेगा वो 50 से 55 75 लाख वाले लेंगे, क्योंकि EMI का बर्डन भाई सर खा लेता है, आई कैन अंडरस्टैंड मच बेटर, EMI जाता है ना, जान पे आता है, ठीक है। उसके बाद आपका वॉक इन मार्केट स्ट्रीट, वॉक इन क्या, मैरिटल स्टेटस, अच्छा जो ये घर खरीद रहे हैं वो मैरिड है कि अनमैरिड है, ऑफ कोर्स ज्यादातर तो मैरिड ही रहेंगे, मैरिटल स्टेटस यस और नो, अच्छा इसको पाई चार्ट में रखना चाहिए हमेशा। सो यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ कि मेरा जो प्रॉपर्टी देखने आया है उसमें ज्यादातर वो मैरिड है, ऑफ कोर्स 25 साल की उम्र में आप, 22 के साल में तो आप घर खरीदने नहीं आओगे, 25-26 के बाद ही आओगे, 26-27 तक तो इंडिया में शादी हो जाती है, मैंने आई थिंक 22 में शादी की, मेरी मेरी बात अलग है, सो बिकॉज आई एवरीथिंग आई कैलकुलेट मी इन माई लाइफ, कि भाई हर एक चीज जल्दी हो, बेहतर हो, लाइफ जिंदगी छोटी है, 60 साल का पता नहीं, सब कुछ जी करके जाना है, बच्चे परिवार घर फैमिली स्टार्टअप सब कुछ करना है, छोटी जिंदगी, रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में कि किया नहीं, राइट। सो मैं वो नहीं देखता हूँ कि भाई पहले 50 लाख पैकेज होगा फिर शादी करेंगे, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू शुड एंजॉय एवरीथिंग, राइट। सो यहाँ पे 76% ऑफ द पीपल आर मैरिड, दोज आर परचेसिंग। अब उसके बाद जो मैरिड हैं उनके पास क्या चिल्ड्रंस हैं, क्या बच्चे हैं उनके पास, सो वी कैन पुट कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पे लेके आते हैं, मैं इसी के अंदर चाहे तो और डिटेल में कर सकते थे कि इसको मैरिटल स्टेटस चिल्ड्रन, वॉकिंग्स, चिल्ड्रन चिल्ड्रन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ओके, सॉरी, अच्छा, समझ गया, यहाँ पे आपका ये फिर से क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन काउंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी किधर गया है, ये भी नहीं आएगा, अच्छा ग्रुप, अच्छा मैंने चिल्ड्रन को ग्रुप नहीं किया, एक्सट्रीमली सॉरी, मतलब मुझे वहां पे 2 3 4 ऐसे लिखना चाहिए था, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन पुट दिस नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन लेजेंड, और इसको हम इसमें रखते हैं, एंड लेट मी गिव दिस इन कस्टमर आईडी, हाँ अभी ठीक है। देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम था कि मैंने यहाँ पे, क्योंकि नंबर मशीन को नंबर काउंट करने दिया, अब जितने वॉकिंस आए हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई 0, मतलब जो कुछ आए हैं 25 से, जिनके पास बच्चे नहीं 144 लोग हैं, एक बच्चा है 168 लोगों के पास, 791 बच्चा है,
सॉरी 791 लोग, उनके पास दो बच्चे हैं, मतलब वो ग्रुप एज ग्रुप कौन सा हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा जिसमें मतलब उनके पास उतने बच्चे, डेफिनेटली 36 से 35 साल में दो बच्चे तो होंगे ना। अब एक्सेप्शनल चार बच्चे भी हो सकते हैं भाई, तीन बच्चे हैं यहाँ पे जिनका एज ग्रुप डेफिनेटली और ज्यादा जाएगा, उनमें तीन बच्चे भी हो सकते हैं, चार बच्चे भी हो सकते हैं। सो मेजोरिटी ऑफ द पीपल दोज आर विजिटिंग टू बच्चे और थ्री बच्चे, तो दो से तीन बच्चे हैं उनका एज क्या है वो तो आप नहीं पूछ सकते, लेकिन दो से तीन बच्चे मतलब 2 BHK इसके लिए देख रहे हैं, समझे आपको, 2 से 3 BHK, 3 BHK, 2 BHK देख रहे हैं क्योंकि इनके पास बच्चे हैं भाई, 2 से 3, 1 BHK 2 BHK कम है देखने वाले क्योंकि इनके पास बच्चे है भी नहीं और है भी, ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। तो ये मैंने आपको क्रिएट कर दिया, कलर चेंज कर लेना, ऑफकोर्स यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विच आई कैन डू, राइट। उसके बाद और मैं आपको क्या इंसाइट दे सकता हूँ, होम ओनर टाइप। अब जो घर खरीद रही है, फर्स्ट टाइम घर खरीद रहे हैं कि सेकेंड टाइम खरीद रहे हैं, होम ओनर टाइप, यहां पे मैं लिखता हूँ होम ओनर टाइप। तो जो घर खरीद रहे हैं वो फर्स्ट टाइम बायर 55%, सेकेंड टाइम बायर 45% है, मतलब ये डेटा परफेक्ट है कि इंडिया के अंदर में अभी के टाइम पे लोग अपग्रेड ज्यादा कर रहे हैं, मतलब बेसिकली दे आर अपग्रेडिंग देमसेल्फ, दे वांट टू बाय एंड अपग्रेड देमसेल्फ, इसलिए सेकेंड टाइम। या फिर 65% यूथ है इंडिया में, तो शादी भी तो ज्यादा होगी ना भाई, तो डेफिनेटली ज्वाइंट फैमिली में तो बाहर निकली हो तो आपको घर तो खरीदना पड़ेगा ना, इस तरह से डेटा आपको कनेक्ट करना है। एंड दैट इज हाउ यू विल प्लान योर मार्केटिंग कैंपेन, लॉयल्टी प्रोग्राम, रेफरल प्रोग्राम, व्हाट एवर, ऑल काइंड ऑफ ऑल थिंग्स। तो यहाँ से ये चीज मुझे मालूम पड़ गया, आई थिंक दिस विल लुक गुड इन दिस, राइट। बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं, आर लॉट ऑफ थिंग्स, चार्ट एक्स्ट्रा जो भी यूज करना है, KPI सर्कल चार्ट जो भी करना है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं आई एम नॉट गुड एट डिजाइन, आई एम गुड एट कंसल्टिंग। नेक्स्ट इज, अब हमें इससे पूछना है भाई तुम घर क्यों खरीद रहे हो, हमको जानना है ना, अगर वो इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर के हिसाब से SM या क्लोजिंग मैनेजर से मिलवाना पड़ेगा, अब किसी भी क्लोजिंग मैनेजर को थोड़ी मिला देंगे आप, तो आपको मालूम पड़ जाता है अरे ये बंदा जो है ये एक्चुअली जो घर खरीद रहा है ना ये इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर घर खरीद रहा है तो मुझे दूसरे को मिलाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे मुझे मालूम पड़ता है सेल्फ यूज के लिए 68% है और 32% इज फॉर इन्वेस्टमेंट, तो ये जो 32% पीपल है उनके लिए अलग से मुझे एक पिच बनाना पड़ेगा, उनका अलग से सेल्स पिच होगा कि उनको किस तरह से गाइड करना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, अलग से आड़े में लेना है, पर्पस ऑफ बाइंग होगा, वॉक इन रेवेन्यू पोटेंशियल। अब यहाँ पे एक चीज आ जाता है कि जो वॉक इन्स हैं उसमें से कितना पोटेंशियल है कि भाई कि यहाँ पे मैं कि वो घर खरीदने वाले हैं, कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये घर खरीदने वाला है, उससे बात करने के बाद आप डिसाइड करोगे ना, 1010 आपको याद आएगा, उसको कैसे बनाना है, लेट्स सी कि मेरे 2500 वॉक इन्स हैं तो 2500 इसको कुछ इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी इसी को लेते हैं। अब ये 2500 वॉक इन है मेरे को पता है मेरा, ठीक है, अब 2500 वॉकिंस में से कस्टमर आईडी तो एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट के जगह पे मेरा पोटेंशियल कितना है वॉकिंस, अच्छा यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल, अच्छा 2850 लोग नहीं खरीदना चाहते आपका घर, मतलब बात करने के बाद डेफिनेटली जो आपके साथ विजिट कर रहे हैं आप उनसे बात करते हो कस्टमर, क्योंकि भाई 2 करोड़ का प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, हर कोई थोड़े नहीं खरीदेगा, आप सोचो कि भाई 100 में से 50 कन्वर्ट हो गए, बिल्कुल नहीं, 100 में से जो मैक्सिमम आई थिंक है 8% इज द रीच। सो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई 650 लोग आपको पोटेंशियल कस्टमर लगते हैं, उसके बेसिस पे आप 2 करोड़ का एक फ्लैट बेचते हो, 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 6 मतलब ऑलमोस्ट 600 का डबल 1200 मतलब 1300, मतलब 2 करोड़ के हिसाब से मतलब 1300 करोड़ का आपका पोटेंशियल रेवेन्यू है इस साल में, इससे विजिट करके अब देखते हैं एक्चुअल में सेल्स कितना हुआ है। सो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये एक्चुअली यहाँ पे कोई डेटा यहाँ पे ब्लैंक आ चुका है इसके लिए, अदरवाइज ये नहीं था, अदरवाइज यू कैन सी दिस क्लियरली कि देर आर, अगर डेटा लेवल ऑन कर दूँ तो आपको दिखाई देगा एक्चुअल में ये है, अगर डेसिमल भी ऑन करूँ तो और क्लियर होगा, कलर भी ऑन करूँ तो और अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ पे मेरे पास 650 लोग आए हैं जो मतलब जेन्युइन लग रहे थे भाई घर खरीदेंगे, आई मीन 600 650 लोग किस तरह से मार्केटिंग कैंपेन, किस तरह से अप्रोच करना, किस तरह से बात करना है, कैसे साइड से बात कराना, एवरीथिंग इज रेस्पॉन्सिबल। सो दिस वॉज ऑल वॉक इन एनालिसिस, सो वेलकम बैक अगेन, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द सेल्स डेटा एनालिसिस, रियल स्टेट का ही सेल्स डेटा एनालिसिस। सो मैं आपको हर एक चीज के बारे में मतलब बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको देखना, अगर आप रियल स्टेट इंडस्ट्री में एज ए एनालिटिक्स में काम करना चाहते हो तो, राइट, या आप नहीं कर रहे हो तो भी आपको समझना है कि किस तरह से थॉट प्रोसेस में बैठा रहा हूं।
नेक्स्ट इज योर, अब हम करेंगे ना सेल्स, जो एक्चुअली में सेल्स हुआ है। हमने पूरा ये डेटा जो वॉक इन का था ना, वो एनालाइज किया, ठीक है। ये जो पूरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद ना, मैं इसका पार्ट टू डिसाइड करूंगा, जो 2 2.5 घंटे का होगा, जो कि एडवांस लेवल ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस इंटेलिजेंस, वो भी पार्ट में 5 6 महीने के बाद लेके आऊंगा, जिसमें ये डेटा को किस तरह से मैं और इनसाइट जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड छुट्टियां हैं, इसके लिए मुझे ये कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत टाइम से, 1 महीने से प्रिपरेशन चल रहा है। सो ये पार्ट 1 पकड़ो, ये वीडियो पूरा का पूरा, जो भी 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जो भी है, एंड इसके बाद पार्ट 2 आएगा, जो 2 2.5 घंटे का होगा, ट्राई करूंगा ताकि और इनसाइट में प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल के लिए। नेक्स्ट है मेरा सेल्स। तो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले तो आपको कॉपी कर लो क्वार्टर वाला। अब यहाँ पे आप क्वार्टर भी चेंज करके देख लेना भाई, हर एक चीज चेंज होगा, हर एक प्रोपोर्शन में चेंज होगा, राइट। दिस इज द मैजिक ऑफ लॉजिक दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर एनी इंडस्ट्री, यू नेम इट बेबी एंड आई विल मेक इट। और ये कोई नहीं बना पाएगा, हर कोई आपको जो पावर बीआई भी सिखा रहा रहेगा ना आपको, ही विल बी ओनली डूइंग ऑन सेल्स, क्योंकि उसको डेटा मिलेगा ही नहीं। उसको डेटा बनाना है तो उसको दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाने के लिए कम से कम उसको चले जाएगा 15 से 20 दिन, 25 दिन, थैंक्स टू गॉड। अब यहां पे आते हैं, एक्चुअली में आपने कितने फ्लैट बेचे भाई? आपने 2500 वॉक-इन्स किए, आपने 650 पोटेंशियल रेवेन्यू बताया, लेकिन एक्चुअली में आपने बेचा कितना? सो आई विल टेक दिस नंबर, देखते हैं भाई एक्चुअली में हमने कितना फ्लैट बेचा है। सो यहाँ से क्या कर सकता हूँ, कस्टमर आईडी लूँ, क्योंकि वॉक-इन में से ही आपने खरीदा रहेगा ना, कोई और लोग सकते नहीं, तो वॉक-इन से ही मुझे मालूम पड़े। अच्छा 500, अब ये सोचेंगे सर ये एग्जैक्ट 500 कैसे आता है, डेटा मैंने बनाया है। सो दिस इज समथिंग जो कि, लेकिन जेन्युइन डेटा आपको लगे एकदम, और इसी तरह से, क्योंकि ये मैंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को 2 महीना डिटेल में पढ़ा है, लोधा हो, रुस्तम जी हो, पिरामल हो, जिसका आप बोलो, उनका पूरा बिजनेस मॉडल पढ़ के, उनके डेटा को क्रंचिंग करके मैंने वो इनसाइट निकाली कि दिस इज थिंग, एक आप बेंच मार्क क्रिएट करते हो, तो मैंने बेंच मार्क रेफरेंस लिया सब जगह से, ठीक है। तो 500 फ्लैट आपने बेचे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स, यहाँ पे आप चेंज कर लेना भाई, आप ये जो दिख रहा है ना काउंट ऑफ कस्टमर आईडी, आप वहां जाकर के चेंज कर सकते हो, यूनिट सोल्ड भाई, नहीं तो लोग बोलेंगे सर कोई कुछ नहीं आता है, मुझे डिजाइनिंग नहीं आता, ऑफ कोर्स आई कैन डू, लेकिन मैं वो काम नहीं करना चाहता हूँ, यूनिट सोल्ड। मैं ये किसी से शायद डिजाइन करूँ कहा के बाद में इसको अपने फिन करो वेबसाइट पे अपलोड करवा दूंगा, बिकॉज इट विल बी मोस्टली पेड, यू कैन डाउनलोड द डेटा एंड सोल्यूशन, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है बॉस, कम से कम कुछ तो इनकम आए ताकि मैं फुल टाइम आपके लिए काम करूं आने वाले, मोस्टली 2 साल तक तो नहीं, 2 साल के बाद, बिकॉज आई हैव कमिटमेंट समवेयर। नेक्स्ट है, इसने पूछा है विच प्रोजेक्ट सोल्ड द मोस्ट, क्योंकि आपके सेल्स ऑफिस में आया तो वो बंदा हो सकता है कि भाई आपके 15 प्रोजेक्ट चल रहे हैं मुंबई में, तो नॉट नेसेसरी कि वही प्रोजेक्ट देखने हैं, तो आपने एक ऐसा सेल्स ऑफिस क्रिएट किया, यू कैन बेसिकली कम एंड टेक इंफॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोजेक्ट्स। सो कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा बिका है? मैं यहाँ पे 500 प्रोजेक्ट बिका है, ठीक है, लेकिन कौन सा प्रोजेक्ट बिका है? तो प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम 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 तो मैं सेल्स में से लूंगा, अदर आपका तो यहाँ पे देखो डेटा मॉडलिंग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर आईडी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो आपका सब एक चीज अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता था कि आप इसका अलग से डिमेंट फैक्ट कम से कम 5 6 क्रिएट करो, ताकि मस्त नजर आए। आप डेटा मॉडलिंग देखना मैं क्या कह रहा हूँ, डायमेंशन फैक्ट टेबल देखना, सर्वर प्रोजेक्ट देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसका क्रिएट कर सकता हूँ लेकिन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब आगे बढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहा है उसने मेरे सारे वीडियोज देखे हैं, क्योंकि मैं एडवांस लेवल में बिलीव करता हूँ, और रियल चीज जो एक्चुअल में जॉब पे आप करने वाले, ये सारी की सारी चीज मैं जॉब पे करता हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ। नाउ कमिंग बैक टू द लेजेंड, यहाँ पे क्या था, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम, ये रहा लेजेंड। तो सबसे ज्यादा कौन सा, तो ये आपका क्रेसेंट करके प्रोजेक्ट है जो बिका है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ट्राइंगल सेकंड, ये प्रोजेक्ट के नाम है जो मैंने डिसाइड किया, क्रेसेंट ट्राइंगल वुड्स वसुधा वालिया, जो दिमाग में आते गए मैं बनाते गए, और उसको इस तरह से बाइफर्केशन किया कि 40% जो आपका प्रोजेक्ट बिका है, 500 लोगों जो खरीदे उसमें से क्रेसेंट पे खरीदा, फिर ट्राइंगल, फिर वुड्स एंड सो ऑन। शायद ये हो सकता है वालिया का ऑलरेडी फ्लैट 80% बिक चुका और उसके पास इन्वेंट्री ना हो, इस तरीके से सोचना है, शायद यहाँ पे क्रेसेंट है 40% सेल्स इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका इन्वेंट्री काफी ज्यादा है और वहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन और सस्ते में मिल रहा है अच्छे लोकेशन पे। दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक एंड एनालाइज, ठीक है। मैं आपको और दे सकता हूँ लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना एनालिसिस करूंगा, तो मैं ये बना रहा हूँ
जो रियल स्टेट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एनालिटिक्स में आना चाहते हैं, विच टावर सोल्ड द मोस्ट। अब हर एक प्रोजेक्ट के अंदर में ना, यहाँ पे क्रेसेंट, ट्रायंगल, वुड्स, जो भी जितने भी आपको यहाँ पे बिल्डिंग के नाम थे, प्रोजेक्ट के नाम, हर एक प्रोजेक्ट के पास आप गोदरेज रिजर्व विजिट करना। कोई मैं प्रमोट नहीं कर रहा भाई, मैंने किधर से पैसा नहीं लिया है। वहां पे उनके पास टावर ए बी सी डी। सिमिलरली आप अगर वाधवा विजिट करोगे मुलुंड में, तो उनके पास भी ए बी सी इस तरह से टावर। एक प्रोजेक्ट के अंदर में 4 से 5 टावर होते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हर एक प्रोजेक्ट के पास 5 5 टावर है। ठीक है, तो कौन सा टावर सबसे ज्यादा बिका है उस प्रोजेक्ट के अंदर में? अगर मैं चाहता इसके अंदर में ही, तो आई कैन पुट दैट न्यूमेरिक नंबर एंड डिसाइड दिस की वो कौन सा टावर सबसे ज्यादा बिका है। ठीक है, लेकिन मैंने वो आपके ऊपर रखा है, क्योंकि उसके लिए डिमर फैक्टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, सेल्स डेटा, सॉरी प्रोजेक्ट नेम। अच्छा यार ये तो ठीक है, कंट्रोल सेट करने दो, क्योंकि ये इधर इसका इसमें चले गया टावर। तो आपका टावर बी ज्यादा बिका है और सी ज्यादा बिका है, यहां से दिख रहा है सी में 32.4, 25%। तो अब ये क्यों हुआ है बी टावर में? शायद वो हाईवे फेसिंग होगा, शायद वो सी फेसिंग होगा, शायद वो आपका एनवायरमेंटल जो आपका माउंट फेसिंग होगा। जैसे आप अगर द मुलुंड में जाकर के द प्रेस्टीज विजिट करोगे, तो उनके प्रोजेक्ट का द फॉरेस्ट, कुछ प्रोजेक्ट का नाम है, काफी अच्छा है प्रोजेक्ट, काफी एक्सपेंसिव है, एंड दे हैव फेसिंग टू माउंटेन। जहां पे मैंने अपना प्रॉपर्टी कर दिया, इट इज ऑल्सो फेसिंग टू माउंटेन, बट उतना कॉस्टली नहीं है वो। ठीक है, सो इट कैन बी एनी रीजन वाई द बुकिंग ऑफ बी एंड सी इज हायर एज कम्पेयर टू अदर, राइट? ये चीज आपको देनी, या फिर हो सकता है कि इसमें इन्वेंट्री बची ना हो, इसमें इन्वेंट्री ज्यादा हो। देखो ये तरीके से आपको सोचना है, एवरी प्लस माइनस थिंग यू हैव टू थिंक, राइट? नाउ नेक्स्ट इज मोड ऑफ सेलिंग। तो अच्छा ओके, एक चीज और यहां पे निकालना है कि भाई मोड ऑफ सेलिंग, ये जो सेलिंग हुआ है वो सबसे ज्यादा किसके थ्रू हुआ है? अब ये एक्चुअल सेल्स है, हाँ ये सेल्स नंबर है, जो एक्चुअल में सेलिंग हो चुका है, वॉकिंग में सेल्स नहीं हुआ था, ये सेल्स हो रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा लीड मोड सेल्स डेटा में, लीड मोड अगर आप देखोगे, अब मैं ये लूंगा, अब वहां पे इतना मुझे पता है कि मेरे सारे तरफ ज्यादातर प्रोजेक्ट लोगों ने, चैनल पार्टनर ने बिकवाया 69%, लेकिन सबसे ज्यादा जो चैनल पार्टनर जो सेल हुआ है, वो किसके थ्रू में सेल्स किया गया है? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको दिख रहा रहेगा ना, ये डायरेक्ट, यहाँ पे मैं डायरेक्ट को क्या करूंगा ना, फिल्टर करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट नहीं चाहिए। डायरेक्ट मुझे पता है मेरा इंटरनल है, लेकिन मुझे जानना है वो कौन से सेल्स चैनल पार्टनर जो मेरा सबसे ज्यादा सेल्स करते हैं। तो मैं यहां से जाके लीड मोड में हटा करके ना सब सेलेक्ट करूंगा, एंड आई विल अवॉइड डायरेक्ट। कहां डायरेक्ट लिखा है देखो, इसको हटा दूंगा क्योंकि ये मेरा इंटरनल है। ठीक है, तो यहाँ पे लीड मोड में आई कैन सी कि मेरा, देखो आपके पास एक चैनल पार्टनर नहीं, बहुत सारे चैनल पार्टनर अकाउंट है। आई यू कैन टेक द कितने चैनल पार्टनर है यहाँ से, वो भी निकाल लेते हैं, एक मिनट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हाउ मेनी चैनल पार्टनर यू हैव। तो यहाँ पे लीड मोड अकाउंट, चैनल पार्टनर, चैनल पार्टनर, सी पी सी पी सी पी सी पी, कस्टमर नेम, चैनल पार्टनर, ओके चैनल पार्टनर, अच्छा अच्छा चलो लीड मोड, लीड मोड में आकर के यहाँ पे नॉट अ डायरेक्ट, आई कैन, अच्छा समझ गया इसको, इस ऐसे नहीं, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लीड मोड को लेना पड़ेगा, वो भी ये वाले पे, लीड मोड को यहाँ पे डालना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, एंड मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा कस्टमर आईडी। तो सॉरी, ओ सॉरी, ये इधर डालना है और कस्टमर आईडी आगा, सही होगा, राइट? तो आई कैन सी दिस लीड मोड में, आई कैन नॉट डायरेक्ट, सो आई कैन सी दिस कि भाई मेरे पास कितने हैं, या आई कैन, व्हाट आई कैन डू दिस। अच्छा यहाँ पे लीड मोड के लिए पे ना पैरेंट सोर्स डालना था, मैं भी क्या कर रहा हूँ, पैरेंट सोर्स डालना, अब सही आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे कि चैनल पार्टनर मेरे पास टोटल 328 चैनल पार्टनर है जो सेल कराए, और डायरेक्ट मेरे 172 है। आपको समझा मैंने क्यों दिखाया ये चीज, 372, ताकि आप ये अलग कर सको। तो आई कैन डू द बहुत सारा, मतलब कट डाउन ये वो करके मैं बहुत सारी चीजें इनसाइड निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी ये लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो इसके लिए मैंने कहा है कि पार्ट टू मैं 2 3 महीने के बाद टारगेट करूंगा बनाने का, जहां पे एडवांस लेवल एनालिटिक्स मिलेगा आपको। तो मुझे मालूम पड़ेगा कि भाई मेरे चैनल पार्टनर टोटल 382, 328 चैनल पार्टनर है आपके पास, इसमें से यूनिक क्या है आप वो भी निकाल सकते हो। सो यहाँ पे मैं
इसको ये रहने देते क्या? ठीक है, यहाँ पे रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ ना, एक ये ले लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे पैरेंट सोर्स डाल देता हूँ, सॉरी कहाँ गया, पैरेंट सोर्स डाल देता हूँ, चैनल पार्टनर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे यहाँ पे पैरेंट सोर्स को डाल देता हूँ, राइट, इसमें सिर्फ और सिर्फ चैनल पार्टनर, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है ना, काउंट काउंट डिस्टिंक्ट, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ओके गॉट इट, मैंने यहाँ पे गलती से चैनल पार्टनर ये नहीं डालना चाहिए था, ये नहीं डालना चाहिए था, यहाँ पे लीड मोड डालना है। मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ कि ये 328 जो आए ना, एक्चुअली ये आपके टोटल चैनल पार्टनर, वो कोई भी हो सकते हैं, एक ही मतलब 328 चैनल पार्टनर ने मिलकर बेचा है, वो 328 रिपीटेटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ ना, इसको सीधा काउंट डिस्टिंक्ट, आपके पास टोटल चैनल पार्टनर कितने हैं एक्चुअल में, 59, लेकिन ये 59 में से 328 चैनल पार्टनर, ये 328 मतलब जो जो भी सेलिंग हुआ है, 328 चैनल पार्टनर मतलब 328 अलग अलग चैनल पार्टनर नहीं, उसमें से 59 ही चैनल पार्टनर आपके पास है, जिसमें से उन्होंने आपके बहुत सारे फ्लैट एक ही चैनल पार्टनर ने बहुत बार मल्टी बार बेचा बेचा है। तो उसमें से आप देखोगे यहाँ पे इन्फिनिटी रियलिटी जो कि आपका 32 फ्लैट इसने अकेले बेचा है, सो आप इसको खुश रखना पड़ेगा। फिर दूसरा बंदा है जो कि है प्राइम वेंचर्स करके है, फिर स्काईलाइन बिल्डर्स है एंड सो ऑन। तो आपके जो टॉप 10 चैनल पार्टनर है उसको हमेशा खुश रखना है, मतलब आउट ऑफ 59 चैनल पार्टनर यू हैव दैट 6 चैनल पार्टनर, उनको खुश रखना है, मतलब 10% यहाँ पे। लेकिन तो ये मैंने आपको बता देने, तो सोच ले यार 328 चैनल पार्टनर नहीं बॉस, 59 ही चैनल पार्टनर है आपके पास जिन्होंने ये सेल करवाया है, गॉट इट। तो मैं बहुत कुछ निकाल सकता हूँ बैठ करके, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे लीड मोड में आप देखो कि कौन से चैनल पार्टनर सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, और इसको आप चाहो तो आप यू कैन यूज दिस, दिस ऑल्सो इज फाइन, दिस वन इज ऑल्सो फाइन। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलता है इन्फिनिटी एंड फर्स्ट 20। सो आप यहाँ पे परेटो एनालिसिस भी कर सकते हो, 20% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम, सॉरी 80% ऑफ द रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम 20% ऑफ चैनल पार्टनर, वो कौन है निकालो, परेटो एनालिसिस करो करो। इसके लिए मैं एडवांस फिर से नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि परेटो एनालिसिस वैसे मैंने किया है, लेकिन वीडियो हैंग हुआ तो आई विल मेक अगेन, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे क्रिएट करके दे रहा हूँ प्लीज। और क्या करने कहा है इसने, गुड SMN। अब आता है इंटरनल, आप रिवॉर्ड करना चाहते हो भाई, जो सेल्स हुआ है जो 500 ना, उसमें से कौन से SMN ने सबसे ज्यादा अच्छी तरह से बात किया है जिससे मैं उसको इंसेंटिव दे सकूं, क्वार्टरली इंसेंटिव मिलता है यहाँ पे या मंथली इंसेंटिव, जितनी इस इंडस्ट्री के अंदर में जितना आपकी सैलरी, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सोर्सिंग मैनेजर की सैलरी जब फ्रेशर हायर होता है तो 4 साढ़े 4 या 5 लाख, मुंबई के रीजन की बता रहा हूँ, टायर 3 टायर 2 कॉलेज की बात कर रहा हूँ, राइट, 4 से 5 लाख सैलरी होती है, लेकिन इंसेंटिव वो कम से कम 10 लाख रुपए उठाता है सेल्स। इट इज ऑल अबाउट हाउ दे डू अ पिचिंग एंड हाउ दे बेसिकली डू अ निगोशिएशन कन्वर्जन एवरीथिंग। सो लेट्स सी दैट पार्ट ऑल्सो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अच्छा ये नहीं चाहिए, एक मिनट मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, ओ अच्छा ये नहीं, कंट्रोल सी, मेरा सर चकराने लगा व्हाइट कलर देख देख करके, स्क्रीन थोड़ा ये कर लो यार। ओके, तो सेल्स हुआ है लेकिन कौन से सोर्सिंग मैनेजर ने सबसे ज्यादा बेचा है, टॉप परफॉर्मर ऑफ द मंथ, टॉप परफॉर्मर ऑफ द क्वार्टर, लेट्स सी OND, मतलब यहाँ पे तो OND चलता है, OND में जानवी मदन इस टॉप पे हमेशा, और जानवी मदन सबसे ज्यादा जो सेल्स की है वो इन्फिनिटी रियलिटी से जो भी डील आया था वॉकिंस, या जो सेल्स हुआ वो जानवी मदन ने कन्वर्ट किया, फिर आयशा दत्ते एंड दामिनी ने रॉड, राइट। क्वार्टर 4 का कौन टॉपर है, हमेशा जानवी रहेगी मोस्टली, तो क्योंकि शी इज आउट परफॉर्मर ना ईयर वाइज, तो यहाँ पे जानवी ने लेकिन सबसे अच्छा परफॉर्म किया है आपका क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 2 में आप देखोगे तो 10% ही था बिजनेस, फिर क्वार्टर 3 में अच्छा किया है दिवाली सेल्स, फिर क्वार्टर 4 में फिर से जानवी ने 10% किया है। तो यहाँ से आप ये चीज निकाल सकते हो कि सोर्सिंग मैनेजर में जो परफॉर्म नहीं कर रहा भाई उसको कट डाउन करो एंड मूव अहेड, ये आपका सोर्सिंग मैनेजर था। सिमिलरली यू विल कैलकुलेट टॉप परफॉर्मर, अब इनको इंसेंटिव देना, कितना देना आपको, 0.5%। तो आप क्या कर सकते हो, एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, वहां पे 0.5% के हिसाब से कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज अभी तक नहीं सिखाया मैंने, अभी ये चीज एक लास्ट है सोर्सिंग मैनेजर के, जब क्लोजिंग मैनेजर ले लेते हैं कि किसने किया भाई सोर्सिंग मैनेजर, अच्छा सोर्सिंग मैनेजर फिर आ गया, क्लोजिंग मैनेजर चाहिए था, सोर्सिंग क्लोजिंग 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 क्लोजिंग,
क्लोजिंग मैनेजर जो फाइनल बाय इसके अंडर में कन्वर्ट हो गया। इसमें वर्तिका भटका 20% इस साल में उसने अकेले सेल्स दिए। सो योर टॉप परफॉर्मर, कभी कभी टॉप पे चले जाते हैं लोग। फिर सो चेंज हो रहा है। आप देखो कि इसने क्वार्टर टू में और अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर देखो, ये यूनिट देख रहे हो ना, 18 फ्लैट्स। क्वार्टर वन में कितना था इनका? 16 फ्लैट। क्वार्टर थ्री में इसने बेचा है 22 फ्लैट्स। क्वार्टर फोर में बेचा है 41 फ्लैट्स बेचे हैं क्वार्टर फोर में। अब यहां पे एक चीज हमारा रह गया, क्या रह गया आप सोचो थोड़ा सा। तो मैं इसको नीचे नीचे कर देता हूँ, या मैं दूसरे पेज पे ले लूँ। आप कहो तो आप कैसे कहोगे? मैं अकेले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे अकेला, पूरे मॉल में सब जा चुके, दिवाली बना रहे हैं, आई एम रिकॉर्डिंग अलोन। सो लेट मी टेक दिस एंड आई एम टेकिंग द मंथ एंड आई एम टेकिंग द एग्रीमेंट वैल्यू। लेट मी टेक द मंथ, वेयर इज मंथ? रजिस्ट्रेशन डेट, बुकिंग डेट, बुकिंग डेट जब बिका है। इसमें से मुझे सिर्फ क्या चाहिए? मंथ चाहिए, ठीक है, और मुझे एग्रीमेंट वैल्यू चाहिए। आपको अच्छा एक चीज हमने यहाँ पे वो बताना भूल गया मैं आपको। लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू दिस सेल्स। आपने कितना सेल्स किया है? कॉट 3 बिलियन। आप उसको मिलियन में कर देता हूँ, मतलब 300 करोड़ का सेल लगभग। लेट मी चेंज दिस, कैसे चेंज करते हैं? कॉल आउट वैल्यू में जा करके इसको मिलियंस में करते, बिकॉज आई प्रीफर मोर बिलियन। सो आपने यहाँ पे 250 करोड़ का सेल्स किया है। इसको डेसिमल करना है, थोड़ा और जेन्युइन लगेगा। देख रहा है, मेरा डेटा ऐसा बनाया कि एकदम जेन्युइन लगे। तो क्वार्टर फोर में अगर ओवरऑल कितना सेल्स किया उन्होंने, टोटल सेल्स किया है इस कंपनी ने आपका 564 करोड़। मतलब एक आई ढाई से अगर करो डिवाइड करो तो लगभग 5,647 मिलियन रुपीज, ये रुपीज में सेल किया है इन्होंने, इतना बिजनेस किया है। अब इसमें से भी सबसे ज्यादा धंधा कौन दे रही है सोचो? इसने इसने वर्तिका वर्तिका इसका मुझे इंसेंटिव कैलकुलेट करना, तो क्या करूंगा मैं? जस्ट दिस 5,647, राइट, ये जो धंधा, उसमें से वर्तिका का कितना है? सो आई कैन डू दैट ऑल्सो, आई कैन कम हियर, राइट, आई कैन गो हियर, आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू, ये कर दूं। और यहाँ पे मैं सोर्सिंग मैनेजर डाल दूँ, क्लोजिंग मैनेजर, सोर्सिंग मैनेजर, क्लोजिंग मैनेजर किधर गए भाई? क्लोजिंग मैनेजर, क्लोजिंग सी दिस, वर्तिका ने कितना धंधा किया है? इसने 97 फ्लैट बेचे पूरे साल में, जो कि 20% ऑफ द बिजनेस, 19.4% बिजनेस किया है। वर्तिका ने धंधा दिया है लगभग 1 बिलियन रुपीज का, राइट, 1 बिलियन का सेल किया है। अब 1 बिलियन का सेल्स वर्तिका ने अकेले किया है एग्रीमेंट वैल्यू पे। So, इसको भी अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें, लेट्स सी कितना, अगर डेसिमल में है क्या कुछ, कॉल आउट वैल्यू ले लेते हैं इसका, डेसिमल प्लेसेस डाल दूंगा तो उसका आपको अवेलेबल ऑन, राइट। तो वर्तिका ने अकेले 105 करोड़ का धंधा किया। 105 करोड़ का इंसेंटिव कितना होगा? 0.05%। आप वो इंसेंटिव कैलकुलेट कर सकते हो, तो यू कैन बेसिकली मल्टीप्लाई 0.05 इंटू दिस वैल्यू। तो उसका इंसेंटिव लगभग आपका 50 लाख के आसपास आ जाएगा, या 50 करोड़ के आसपास इंसेंटिव आ जाएगा, सॉरी 50 लाख के आसपास इंसेंटिव आएगा। 50 लाख का इंसेंटिव 100 करोड़ का धंधा अकेले करके दे देने में कुछ नहीं कंपनी के लिए। और आपके जो ब्रोकर लोग ने किया रहेगा 100 करोड़ पे 2.5, मतलब 2.5 करोड़ उनको, 2.5 करोड़ का बिजनेस चैनल पार्टनर को मिला है वर्तिका के थ्रू। दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन। एंड विच मंथ वॉज द हाइएस्ट सेलिंग? अब वो वॉकिंस थे, फ्लो लेकिन कहाँ हुआ है? यहाँ पे आई कैन कम हियर, आई कैन चेंज क्लोजिंग मैनेजर के बजाय पे मंथ, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे, जो आप मैं वॉक इन का जो डेटा कह रहा था कि अक्टूबर नवंबर में ज्यादा लोग आए थे, तो डेफिनेटली उस टाइम पे सेल्स भी ज्यादा हुए हैं। सबसे ज्यादा सेल्स आपका नवंबर में हुआ है, अक्टूबर नवंबर में हुआ है। दिस इज हाउ जनवरी फरवरी यू कैन डिसाइड, राइट। देखो यार, मैंने अरेंज नहीं किया सही से, तो उसके लिए मुझे ताना मत देना, बट मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन हो रही है, पानी पीना पड़ेगा कि इतना अकेले बना रहा हूँ। Now you would like to understand, जो सेल्स हुआ है, एक और पेज ले लेते हैं क्योंकि भरते आ रही है सेल्स डेटा। आंख दिखने लगा मेरा। अभी एक चीज मैं और यहां पे, जो सेल्स हुआ है, लेट मी कॉपी दिस,
मैं आपको ये पूरा, ये कोई नहीं सिखाएगा यार आपको, इसके लिए मैं सिखा रहा हूँ ये सब। अदरवाइज मैं 1 घंटे का जो मैं चार्ज करता हूँ, 1 घंटे का चार्ज है, कहीं पढ़ाने जाता हूँ, 1 घंटे का मैं कम से कम 2,500 रुपये चार्ज करता हूँ, ठीक है, 2 घंटे का 5,000 रुपये। तो मैंने इतना टाइम दिया है, तो मेरा एफर्ट, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज आई एम गिविंग हियर, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको सोर्सिंग मैनेजर के थ्रू, दे वांट टू सी कि कौन से सोर्सिंग मैनेजर ने 1 BHK बेचा है कि 2 BHK बेचा है। सो लेट सी क्लोजिंग मैनेजर में कुछ चीजें आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सो क्या बेचा है क्लोजिंग मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा बेचा है, अच्छा नहीं, ओके, ये भी नहीं, अरे यार इसमें ये नहीं आएगा, इसमें ये आएगा। सो बेसिकली यू वांट टू कीप दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑन द एक्स एक्सेस, एंड सोर्सिंग मैनेजर ऑन वाई एक्सेस, सोर्सिंग क्लोजिंग मैनेजर जो भी आपका। सो विल कम टू नो कि किसने क्या बेचा है। तो वर्तिका ने 97, अच्छा यार, अच्छा यार डेटा देखना पड़ेगा, डेटा में थोड़ा सा किस तरह से लिखा हुआ सेल्स में, तो ये सब डाउट आता है कभी कभी। क्लोजिंग मैनेजर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा ये है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उधर 1 BHK क्यों नहीं लिख के आ रहा है यार, यहाँ पे ऐसा आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन सर। और कोई कॉन्फ़िगरेशन है क्या यहाँ पे, दो दो कॉन्फ़िगरेशन मैच हो रहा है क्या वहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन 1 BHK लिखा हुआ है, वहाँ पे कुछ और आ रहा है। सो ठीक है, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे मालूम पड़ गया कि दस सबसे ज्यादा जो बिका है वो 2 BHK बिका है, 1 BHK बिका है, 3 BHK बिका है, एंड कौन से क्लोजिंग मैनेजर, ये भी नहीं आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा कस्टमर आईडी, सॉरी। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका 2 BHK बिका हुआ है, या इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो विल कम टू नो कि दैट 2 BHK आपने 55% जो आपका अभी प्रॉपर्टी बिका है वो 2 BHK बिका है, उसके बाद 1 BHK बिका हुआ है। अब कौन से सोर्सिंग मैनेजर ने क्या बेचा है, दैट विल कम एज अ, उसको निकालने के लिए मुझे और सोचना पड़ेगा, एंड आई डो नॉट हैव टाइम राइट नाउ, क्योंकि वो बैठाना पड़ेगा उसको, आई थिंक ड्रीम और फैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा अलग से। 2 BHK, 2 BHK उसके अगेंस्ट में क्या आएगा क्योंकि वो भी डिम है, वो भी डिम है, तो डिम डिम नहीं होगा, उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके गॉट इट। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इतना तो पता है कि वर्तिका परफॉर्म कर रही है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एग्रीमेंट वैल्यू ले लेता हूँ। अब आपको मालूम पड़ेगा एग्रीमेंट वैल्यू और कॉन्फिग्रेशन, वेयर इज दैट कॉन्फिग्रेशन हियर लेजेंड। तो आपका जो सेल्स, आपको ये पता चल गया कि भाई मेरा जो सबसे ज्यादा जो मतलब फ्लैट्स बिके वो 2 BHK बिके, लेकिन 2 BHK ने कितना धंधा दिया है, दैट इज योर लगभग 3.13 बिलियन, क्योंकि टोटल 5 बिलियन का धंधा किया ना आपने। सो उसमें से 55% जो आपको जो धंधा आ रहा है 2 BHK से आ रहा है, उसने 313 करोड़ का धंधा दिया है। उसके बाद आपका 137 करोड़, फिर आपका 60 करोड़ और बाकी के 52 करोड़, इस तरीके से। तो आपका 2 BHK इज द हाइयर वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूटर, भले आपके 4 BHK के फ्लैट का वैल्यू ज्यादा हो, एग्रीमेंट वैल्यू अगर आप चेक करोगे ना कि 4 BHK का ज्यादा है, आप यहां से अगर चेक कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट्स कॉन्फ़िगरेशन वाला कंट्रोल शिफ्ट एल, देखो यहाँ पे यूनिट साइज एरिया, कार्पेट एरिया, यहाँ पे 4 BHK का आप देखोगे कि बुकिंग अमाउंट यहाँ पे 1 करोड़, 1 करोड़ लगभग 2 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़ 3 लाख है, 1 करोड़ 87 लाख है, राइट। वैल्यूज अलग अलग है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जब हम करते हैं तो लोग क्या बोलेंगे, सर 4 BHK महंगा है तो यहाँ पे चार्ट बड़ा तो 4 BHK का आएगा, 3, नहीं, वॉल्यूम ज्यादा आपका 2 BHK का है, राइट, ज्यादा आपका ये भी का है, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक। और 4 BHK आपको पता है ज्यादा लोग खरीदने वाले नहीं, लेकिन 2 BHK ज्यादा खरीदने वाले लोग हैं, क्योंकि उतना लोग कमा सकते हैं। 4 BHK मतलब बहुत महंगा, 2 से 3 करोड़ रुपया सबके पास नहीं होता बॉस। तो यहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो खरीदा गया वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा गया है, या फिर कौन से यूनिट साइज का सबसे ज्यादा बिका, लेट्स सी, वो एक निकाल देता है यहाँ पे, यूनिट साइज, वेयर इज दैट यूनिट, यूनिट, यूनिट साइज, कौन से यूनिट साइज का सबसे ज्यादा बिका है आपका,
आपका क्या होगा जनाबे अली, और आपका किधर गया? मिल सही, अरे किधर गया यार कस्टमर आईडी? कस्टमर आईडी दिख रहा है आपको? अच्छा इधर कभी कभी दिखता ही नहीं बॉस। अच्छा यहाँ पे एक यूनिट साइज जो 800 वाला बिका ही नहीं है, या तो कुछ वहां पे डेटा में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो आप देखोगे ज्यादातर जो आपका फ्लैट का जो साइज बिका है, दैट इज यूनिट साइज ऑफ 465 का जो यूनिट साइज है, वो ज्यादातर आपका 600 का कारपेट है, 620 का कारपेट एरिया बिका है। मतलब 620 तो मोस्टली आपका 2 BHK में आएगा, एंड 1 BHK, सॉरी ये आपका 3 BHK मेरे ख्याल से 1000, क्योंकि 3 BHK फिर ये 4 BHK। तो ये यहाँ से मुझे क्लियर आइडिया मिले। 800 के अंदर का कुछ डेटा कुछ मैपिंग नहीं हुआ है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये मालूम पड़ेगा कि भाई 662 का कारपेट एरिया का लोगों ने ज्यादा बिका। आप ये चीज यही सेम चेक कर सकते वॉक इन्स में, कि जब वॉक इन्स आए तो सबसे ज्यादा कारपेट एरिया कौन सा लोग देख रहे थे। लेट मी रिप्लेस दिस यूनिट साइज फ्रॉम हियर, और सेल्स वाले से वॉक इन्स में चले जाते हैं, वॉक इन्स का डेटा निकालते हैं, इसमें देखते हैं यूनिट साइज कौन सा लोग देखने आए थे सबसे ज्यादा। यूनिट साइज, यूनिट साइज, यूनिट साइज यहाँ पे है क्या यार कहीं पे? अच्छा यहाँ पे यूनिट साइज नहीं है, ठीक है वो मैपिंग कराना पड़ेगा। ठीक है ये समझ गया आपको, लेकिन यहाँ पे यूनिट साइज नहीं है, तो होगा अभी तो मेरे को, अब मेरा आंख अभी काम नहीं कर रहा है ना, वाइट वाइट जब से बना रहा हूँ। ठीक है, फिर है कमीशन टू बी पेड टू सीपी। अब कितना कमीशन आपके सीपी को पे करना है, राइट? तो यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल ले लेते हैं। अच्छा एक पेज यहाँ ले लेते हैं यार, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं। कितना कमीशन आप सीपी को पे करने वाले हो टोन सिंह? यहाँ पे हम ले लेते हैं ये, और आप कॉलम मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कॉलम से कॉलम मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपके कस्टमर, क्योंकि वो आपको सीधा कॉल करेंगे। जो सीपी होते हैं वो फॉलो अप करते हैं, भाई रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं, रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं, जो भी है। तो यस और नो सीपी कितने थे, तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे सीपी 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 चैनल पार्टनर सॉरी पैरेंट सोर्स, पैरेंट सोर्स, पैरेंट सोर्स ले लिया मैंने यहाँ पे, एक डायरेक्ट है और चैनल पार्टनर है। इसके अंदर मैं क्या उतार सकता हूँ, क्या 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 क्या, आपका लीड मोड, लीड 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 मोड लीड। अच्छा सॉरी इधर का नहीं लेना है मुझे, सेल्स का लेना है यार, क्योंकि वो एक्चुअल में कन्वर्जन हुआ है ना। तो यहाँ पे एक आपका पैरेंट सोर्स आएगा, फिर एक आपका लीड मोड आएगा, देख रहे हो आ गया। उसके बाद एग्रीमेंट वैल्यू ले लेते हैं, उसके बाद आपका एमपी ले लेते हैं। अब आप मुझे इसका निकालना है, तो आई कैन मल्टीप्लाई इट सिंपली एओपी। क्या करना है आपको, यहाँ पे डैक्स लिख सकते हो, न्यू मेजर, न्यू मेजर ले लेता हूँ, और उसको फिल्टर डाल करके यहाँ डाल देता हूँ। आपको कैसा लग रहा है कमीशन? कमीशन लिखते हैं, क्योंकि हमने डैक्स अभी तक नहीं किया, क्योंकि रियल स्टेट में आपको ज्यादा डैक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़े बहुत की जरूरत पड़ती है, कन्वर्जन रेट है सब जो जो मैंने आगे के लिए रखा है आपके लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एग्रीमेंट वैल्यू, सॉरी सेल्स डेटा, अच्छा सॉरी, अच्छा मैंने यहाँ पे वो बनाया ही नहीं ना यार, कैलकुलेट सम ऑफ एग्रीमेंट वैल्यू, एग्रीमेंट वैल्यू पे ही उनको ब्रोकरेज मिलता है। ठीक है, इनटू एओपी, सॉरी एओपी को भी सम करना पड़ेगा क्या, परसेंटेज में सम ऑफ सेल्स डेटा एओपी परसेंटेज। ठीक है ऐसे भी ले सकते हो आप चाहो तो कैलकुलेट, क्योंकि इसका कैलकुलेट नहीं हुआ था, डायरेक्ट भी ले सकते थे हम, लेट्स सी क्या आता है। एंड लेट मी पुट दिस कमीशन इनटू दिस फील्ड, इसके अंदर कमीशन। ठीक है ये कमीशन जाएगा। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है ना कि भाई
इसके अंदर मेरे नॉन चैनल पार्टनर भी, तो लीड मोड में पैरेंट सोर्स में ना मैं हटा देता हूँ इसको, डायरेक्ट को हटा देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट को हटा दे, क्योंकि उनको तो देना नहीं। अब मुझे जानना भाई ये लोग एलिजिबल है, मेरा कितना कमीशन जाने वाला है, जो भी यहाँ पे है भाई, मतलब आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ तो बड़बड़ी इकाई दाई सिकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, ये रॉन्ग है यार। इसके अंदर वो क्या हो गया ना, सम हो गया है, सम नहीं करना है अपने को। उसको मुझे एओपी निकालना है, कमीशन देना है, सो आई विल बी गिवन वैल्यू। रुक जाओ, एक काम करते हैं, कॉलम से कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक कॉलम क्रिएट करते हैं, वेयर द सेल्स वाले डेटा में, सेल्स डेटा कहाँ गया मेरा, बुकिंग अमाउंट नहीं, एग्रीमेंट वैल्यू, क्रिएट अ न्यू कॉलम, एक न्यू कॉलम लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमीशन, ब्रोकरेज लिख देते हैं, ब्रोक लिख देते हैं, ब्रोक इक्वल्स टू एग्रीमेंट वैल्यू इनटू एओपी परसेंटेज, ठीक है, आपका एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा। देखो तो ये क्रिएट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको ये सही आया, वहां पे कुछ तो रॉन्ग आ रहा था, क्योंकि आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ टू डू दैट। ब्रोक किधर ये रहा, ब्रोक राइट, अब ये प्रॉपर है। तो आपने टोटल यहाँ से इकाई दाई सैकड़ा, 1,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, यस करेक्ट है। तो आपने अगर धंधा किया है 500 करोड़ के ऊपर का, तो 500 करोड़ पे तो 7 करोड़ का तो ब्रोकरेज, आपका 7.5 करोड़ का ब्रोकरेज हो जाएगा नो डाउट। ये 74 करोड़ कितना है यार, ये इकाई दाई सैकड़ा नहीं, ये है सॉरी, ये आपने जो आपका 3.7 बिलियन, मतलब आपने 370 करोड़ का धंधा जो किया है वो चैनल पार्टनर के थ्रू किया, उसके ऊपर जो ब्रोकरेज आप इतना पे करने वाले, करेक्ट है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे सम ऑफ ब्रोकरेज जो कमीशन आप पे करने वाले। अब इसमें से कितने एलिजिबल है, आपको ये कैसे पता चले भाई, सबको थोड़ी ना, जैसे फ्लैट बुकिंग हो गया दे दिया, कभी कभी ऐसा होता है रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी कैंसिल होता है, सो फॉर दैट यू नीड टू टेक एलिजिबल एलिजिबल फॉर ब्रोकरेज, कौन सा बंदा एलिजिबल है ब्रोकरेज के लिए। सो यहाँ पे आपको देखोगे तो एलिजिबल कितने हैं, तो यहाँ पे मैं जाकर क्या कर सकता हूँ ना, कि मुझे अभी, क्योंकि भाई कंपनी कैश फ्लो बहुत मैटर करता है, रियल एस्टेट में कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो यहाँ पे ब्रोकरेज कितना पे करना है, पूरा तो इतना आ रहा है लेकिन मैं इतना थोड़ी पे करना है, जो एलिजिबल है उनको ही पे करना है, मतलब इस साल 1.78 करोड़ मुझे पे करना है, ये लोग अभी एलिजिबल है। ये किस बेसिस पे डिसाइड किया गया है, अगर 45 दिन हो जाता है रजिस्ट्रेशन के तो वो लोग, तो बाकी 249 लोग जो चैनल पार्टनर वो लोग एलिजिबल नहीं है फिलहाल ब्रोकरेज के लिए, समझा, इस तरीके से उनको चाहिए सीएसएमओ को, कि देख सके भाई कितने एलिजिबल है कितने एलिजिबल नहीं है, ठीक है, आई कैन ऑल्सो क्रिएट द फिल्टर हियर एंड आई कैन सर्च एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल। एलिजिबल हो गया, सेल्स ट्रेंड, सेल्स ट्रेंड कैसा चल रहा है, सेल्स ट्रेंड आई थिंक मैंने बना दिया है कि आपका यहाँ बनाया था ना सेल्स ट्रेंड, कि सेल्स ट्रेंड कैसा चल रहा है, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको पार्ट वन वॉक इन एनालिसिस हो गया, पार्ट टू आपका सेल्स डेटा एनालिसिस हो गया, थर्ड जो मैं आपको दूंगा वो भी एक एनालिसिस होगा लेकिन थोड़ा सा हायर लेवल का होगा, लेकिन उसमें भी इतना टैक्स नहीं रहेगा। सो लेट मी स्टॉप हियर भाई, और आप सीखना चाहते हो इक्विटी मार्केट के बारे में ज्यादा डिटेल में ना, आप ये बुक डेफिनेटली खरीदना, मैं यहाँ पे सिर्फ सेल नहीं कर रहा हूँ, ये एक रियल चीज है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एज अ एनालिटिक्स गाय, एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस गाय, बिकॉज दिस डज नॉट टीच यू ओनली द कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट राइट, बट इट ऑल्सो टीचेज यू हाउ टू रीड द बिजनेस ऑफ द कंपनी, वेरियस प्लेटफॉर्म, पूरा प्योर प्रैक्टिकल है। एंड अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया यार तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, एंड आफ्टर दिस वीडियो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इस चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर हिट करा दो, सो दैट आई कैन ऑल्सो गेट अ मोटिवेशन, आई कैन स्पेंड माई वीकेंड मेकिंग कंटेंट फॉर यू गाइज राइट, एंड नेक्स्ट ईयर आई विल मेक सच काइंड ऑफ कंटेंट दैट नो बडी लाइक करेंटली, दैट करेंटली आई एम मेकिंग। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए और 20 से 25 प्रोजेक्ट अगले साल लेके आऊंगा, जो कि हर एक हॉस्पिटल से होगा, फार्मा से होगा, केमिकल से होगा, लाइफ इंश्योरेंस, सारे के सारे क्रिटिकल होंगे, एडवांस लेवल के होंगे, और ये सारे के सारे चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। अच्छा एक चीज मैंने आपको नहीं बताया ना, लेट मी कम हियर दिस स्क्रीनर डॉट इन, ठीक
ठीक है, अब आपको ये जानना है कि जो डेटा मैंने बनाया है या मतलब किस तरह से बिजनेस समझता हूँ। आप सोचो मैं यहाँ पे लोधा, यहाँ सर्च कर रहा हूँ, माइक्रो डेवलपर नाम है, एंड आज के टाइम 1.87% अप है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आता हूँ, यहाँ पे पीपीटी ओपन करता हूँ, ये पीपीटी ओपन करके मैं बिजनेस को समझता हूँ। दिस पीपीटी, सी दिस, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो चीजें यहाँ पे दिख रहा है, जो बने हुए, जो भी लिखे हुए है, सब 808 यूनिट हैंड ओवर किया है, एवरेज यील्ड YTD 3% है, 1.8 मिलियन स्क्वायर फुट ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू, इतना लॉन्चेस किया, ये सारा का सारा चीज मैं आपको ना वहां पे करके बता रहा हूँ, कौन से लोकेशन में माइक्रो मार्केट टारगेट कर रहे हैं, इनका प्रोजेक्ट है। तो ये सारा का सारा बिजनेस देख रहे हो, ये सारा मैंने एनालाइज करने के बाद ही वो डेटा आपके लिए क्रिएट किया है। सो देर इज 90% 95% जेन्युइन। तो ये बिजनेस एनालाइज करता हूँ मैं, अब यही चीज सोचो आपको वहां बनाना है, दिस इज वॉट यू विल बी डूइंग राइट। सो वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, आई कैन क्रिएट दिस ऑन मैप ऑल्सो ऑन विच लोकेशन इट इज करंटली हैपनिंग अ सेल। उसके लिए मुझे लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड चाहिए रहेगा, तो मैं आपको बता दूंगा कौन से लोकेशन से सबसे ज्यादा वॉक इन हुआ है चार्ट के ऊपर, ठीक है, आई कैन डू दैट। अच्छा, ऐसा कुछ होता है, आई डोंट थिंक सो माइक्रो मार्केट को टारगेट कर पाएगा, लेट मी, अगर लेट्स सी अगर ऐसा कुछ है क्या, बिकॉज आई एम नॉट ट्राइड हियर एक ये लोकेशन, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उसको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड चाहिए रहेगा तभी वो बना पाएगा लोकेशन को, अदरवाइज दे वोंट बी एबल टू डू राइट। सो यहाँ पे मुझे विजुअलाइजेशन लेने दो, लेट मी, ये दिस लोकेशन है, अगर इसको मैप पे कन्वर्ट करूंगा, दिस फील्ड मैप, आई डोंट थिंक सो ये कैच कर पाएगा, नहीं कैच कर पाएगा राइट। इसको लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड उसको देना पड़ेगा, मतलब हर एक लोकेशन के अगेंस्ट, तो ही हो पाएगा ना, तो नहीं होगा राइट। तो ये चीज आपको समझना है, अदरवाइज वी वर डूइंग फैंटेस्टिक, ठीक है। तो मैं वो भी बना सकता था, इंटरेस्टिंग की कहां से आ रहा है, तो उसके लिए भी डेटा और डिफाइन करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट बिफोर गोइंग हेड, 10,000 सब्सक्राइबर हिट करना है बॉस, आप लोग इसको जितना हो सके शेयर करो और लोगों तक पहुंचे। नाउ नेक्स्ट इज एडवांस, थोड़ा सा एडवांस, नॉट दैट पार्ट टू लेवल वाला एडवांस, बट कन्वर्जन रेट कितना है, मतलब आप इतना मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन कन्वर्जन कितना हो रहा है, वॉकिंग्स 2,500 है तो 500 कन्वर्ट हो रहे, तो वॉट इज द परसेंटेज दैट इज वी विल बी कैलकुलेटिंग। सो यहाँ पे कन्वर्जन रेट कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो, फॉर्मूला वहां से मिल जाएगा। सो आई कैन कम हियर, आई कैन क्रिएट अ न्यू मेजर राइट। सो सिंपल कन्वर्जन रेट आप किसी भी चीज से कर सकते हो, यहाँ पे मैं कन्वर्जन रेट लिखता हूँ, कन्वर्जन रेट इज इक्वल टू काउंट, आप देखो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, काउंट कस्टमर आईडी। अब स्टॉप पे कौन सा रहेगा, सेल्स डेटा का रहेगा, सेल्स डेटा का कस्टमर आईडी राइट राइट डिवाइड बाय काउंट, किसका, वॉक इन का राइट, वॉक इन डेटा का कस्टमर आईडी, कस्टमर कहाँ है यार, इतना सारा दिखता भी नहीं है राइट। आई कैन डू दिस एनीथिंग, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा ना, एक कन्वर्जन रेट मिलेगा। सो आई कैन गिव दिस टू यू, मैं यहाँ पे एक ये ले लेता हूँ कि भाई कन्वर्जन रेट मेरा क्या है, आई कैन कन्वर्जन रेट, दिस इज माई कन्वर्जन रेट, एंड लेट मी कन्वर्ट दिस इन टू द डेसिमल, ये परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट हुआ। सो मेरा कन्वर्जन यहाँ पे 20% है राइट। अब ये कन्वर्जन इस पे अगर मंथ वाइज आ जाऊं, तो अगर मैं अगर ये क्रिएट करूं दिस, एंड आई कैन टेक दिस अ मंथ बुकिंग डेट अ मंथ, अच्छा ये परसेंटेज आ गया ना आपका, तो वो नंबर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे यही ठीक है हमारे लिए फिलहाल के लिए राइट। सो दिस इज योर 20% कन्वर्जन राइट। नाउ आई कैन, व्हाट आई कैन डू, आई कैन कम हियर, अगर मुझे जानना है कि मेरा 20% कन्वर्जन रेट है, मतलब बहुत ज्यादा है, असली में आपका 8-9% के ऊपर नहीं रहता है, आई कैन कम हियर एंड आई कैन, व्हाट आई कैन डू, कस्टमर आईडी यहाँ लेकर के मंथ, सॉरी मंथ ले लूंगा यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मैं कस्टमर आईडी, या मतलब जो आपके सेल्स वाले, अभी सेल्स वाले ले रहे हैं सिर्फ जो बिके हुए हैं, आई कैन टेल, सॉरी यार कहाँ चले गए, लेजेंड में चले गए, वहाँ एक्सिस पे आना है। सो आई कैन टेल कि आपका, इसको हम ट्रेंड में यूज करेंगे, लाइन में यूज करेंगे सॉरी। सो ये आई कैन यूज दैट कि भाई इसका वैल्यू ऑन करने दे यार। तो मेरा 20% कन्वर्जन है, तो सबसे ज्यादा जो कन्वर्ट हुआ है, ये मेरे एक और चीज यहाँ पे डाल सकता हूँ, क्या डाल सकता हूँ, वॉकिंस, वॉकिंग के अंदर में मेरे कितने कस्टमर आईडी आए थे, वॉकिंस का कस्टमर आईडी ले लेते हैं ना बॉस, या उसका नाम भी अगर मैच हो जाएगा तो हम अलग कर देंगे, नो डाउट, मेरे इसका कस्टमर आईडी दिस, कितने लोग आए थे और कितना, दिस इज हाउ,
तो मतलब देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा ब्लैंक कहाँ से कैच कर ले रहा है यार ये, या तो मैं इसको ये बना के देखता हूँ। तो मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि भाई 93, लेकिन आए कितने थे इस मंथ में वो भी देखना है मुझे एक साथ। तो कैन आई यूज दिस 100% स्टैक कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट। ओके दिस इज माई कन्वर्जन, सो आई वॉन्ट टू पुट अनदर लाइन चार्ट ऑन कस्टमर आई डी। वेर इज कस्टमर आई डी? अरे ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, ब्लैंक क्यों आ रहा है? बुकिंग मंथ डेट, एक मिनट। अच्छा, गॉट इट, ये मत नहीं डालना भाई, बुकिंग बुकिंग का डेट नहीं आएगा ये, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा ना ये वॉकिंस का डेट है, क्योंकि वॉकिंस डेट ही लेना है। वॉकिंग डेट 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 या डेट तो लेना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे मंथ लेना चाहिए मंथ। एक मिनट वॉकिंस का डेट लेके देखते हैं मंथ। राइट नाउ दिस इज प्रॉपर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हजरात कि आपके जो वॉकिंस अक्टूबर के टाइम पे 550 वॉकिंस है, लेकिन उसमें से कन्वर्ट जो हुए वो 120 हुए हैं। राइट सो यहाँ से आप देख सकते हो कितना फ्लो हो रहा है। या तो फिर आप इसको नीचे उसको ऊपर कर दो, आई थिंक इसको ऊपर नीचे करना चाहिए, इसको यहाँ। यार दोनों सेम ही दिख रहे हैं यार, दोनों लाइन में कन्वर्ट हो गए, एक तो चार्ट में रोक है। तो 550 वॉकिंस हुए, लेकिन आपका 20% ही, मतलब जो भी है 550 में से आपका 120 119 के आसपास कन्वर्ट हुआ है। तो ये आपका कन्वर्जन आपको बताता है किस मंथ में सबसे बेहतर कन्वर्जन रेट रहा है। यू कैन ऑल्सो यू कैन डू वॉट आई कैन डू, यू कैन सिंपली पुट अ परसेंटेज आउट ऑफ दिस। तो किधर गया मेरा कन्वर्जन रेट? आई कैन कन्वर्जन कन्वर्जन कन्वर्जन, मेरे ख्याल से वो नहीं आएगा प्रॉपरली, क्योंकि उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि डीमरफैक्टेबल हमने अच्छे से क्रिएट नहीं किया। क्यों नहीं क्रिएट किया है? क्योंकि बॉस मैंने ऑलरेडी सिखाया प्रीवियस क्यूएसआर इंडस्ट्रीज के अंदर, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर में, सर्वे प्रोजेक्ट के अंदर में, इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत रिपीट हो जाएगा यार, मैं भी थक जाऊंगा रिपीट करते करते। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसको उठाना पड़ेगा। डेटा लेवल देख रहे हो नीचे आ गया 16%। तो इसमें 21% कन्वर्जन था, सबसे बेस्ट कन्वर्जन जनवरी का 28% कन्वर्जन। सो लाइन में जा करके ना उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सब कर सकते हैं यार, पर मैं ये कर देता हूँ। ये अच्छा लगेगा क्या, बी लेवल या डैश? डैश अच्छा दिख रहा है क्या? इसको कुछ ना एक एक और चीज करते हैं ना, इसको ना अलगो अलगो करते, क्या कहते हैं अलगो अलगो अलगो, क्या बोलते हैं उसको यार, इसको कुछ तो सेकेंडरी वाई एक्सिस अलाइन। हाँ अभी हुआ। अच्छा नहीं, मुझे इसको फुटर में कन्वर्ट करना था यार, सेकेंडरी वाई एक्सिस। अच्छा इन्वर्टेड हो गई। मुझे वो सेटिंग याद नहीं आ रहा है जहां पे मैंने काफी आपको आईटी स्पेंड एनालिसिस में मैंने वो करके दिया है कन्वर्जन रेट। तो आपको ये चलो ऊपर आ गया, मैं चाहता था ना ये 18% जो कॉलम्स का है कि जूम स्लाइडर ऑन करो, नहीं ये नहीं है, मैं सेकेंडरी वाई एक्सिस का ही तो कुछ तो था। स्टेप फुटिंग करना है मुझे, स्टेप बनाना है ऐसे ऐसे चढ़ते हुए चढ़ते उतरते हुए। डेटा लेवल या मार्कर ऑन कर देते यार, अच्छा लगेगा। ठीक है कलर भी आप कर सकते जो करना है। लाइंस कन्वर्जन रेट, लाइंस को मैं ना मुझे ना राउंड मिल्टर, ये सेटिंग क्यों नहीं आ रहा है मेरा? प्रीमियम नहीं इसलिए नहीं आ रहा है क्या, पहले आता था। अच्छा मुझे यार सही बोले तो अभी फिलहाल एक्स एक्सिस का भी नहीं है, वाई एक्सिस का भी नहीं है, लेजेंड का भी नहीं है, जनरल में है क्या वो? इफेक्ट डेटा फॉर्मेट नहीं, टूल टिप नहीं, टाइटल नहीं, प्रॉपर्टीज पोजीशन। अच्छा ठीक है, आपने ये वाला ना आईटी स्पेंड एनालिसिस में मैंने एक इस तरह से बनाया है, कुछ इस तरह से ऐसा 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 ऐसा, मतलब इस तरीके से चौकन चौकन स्टेप की तरह दिखता है। तो ये काफी नीचे आ गया है,
लेकिन आई कैन सी दैट इन ऑल दो 550 वॉक-इन्स है, लेकिन आपका 21% ही कन्वर्जन है, 28% आपका कन्वर्जन काफी अच्छा जनवरी में रहा है। तो दिस इज थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैं निकाल रहा हूँ आपके लिए, ये भी इतना एडवांस नहीं है, ये मेरे लिए बेसिक है, मैं और बना लूंगा आपके लिए नेक्स्ट टाइम जब हम इसका पोटेंशियल रेवेन्यू वर्सेस एक्चुअल रेवेन्यू। तो यहाँ पे अभी देखना है आपको कि कितना रेवेन्यू आपने बॉस को बोला था कि बॉस लुक 650 लोग पोटेंशियल रेवेन्यू वाले हैं, मतलब बिजनेस देने वाले, लेकिन एक्चुअल में कितना कमाया आपने। लेट्स सी, लेट मी पुट दैट इन दिस स्टिक कॉलम चार्ट यूज करें, उसमें दो चीज नहीं आएगा, दो चीज आएगा कि एक्स लेजेंड एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, नहीं इसमें नहीं आएगा मल्टीपल वैल्यूज, ये वाला नहीं लेंगे, हम लेंगे ये लेंगे, इसमें अच्छा लगेगा, एंड आई कैन यूज दैट वॉकिंस एग्रीमेंट वैल्यू वाई एक्सेस पे, एट द सेम टाइम आई विल बी टेकिंग अ वॉकिंग में का वॉक इन का कौन सा वैल्यू था, अरे अरे नहीं ये नहीं लेना, एग्रीमेंट वैल्यू नहीं लेना यार, अपने को तो मालूम है, अपने को लेना है पोटेंशियल रेवेन्यू, इसमें पोटेंशियल रेवेन्यू, अच्छा इसमें भी मैंने बनाया नहीं है, ठीक है कोई नहीं, ओके बुकिंग अमाउंट एग्रीमेंट वैल्यू को ही लेके जज करते हैं, ये आपका एक्चुअल में बिजनेस इतना हुआ और आपने प्रिडिक्ट कितना किया था, इसमें एग्रीमेंट वैल्यू कहाँ से था, इसको कैसे निकालना है, किधर गया है यार पोटेंशियल, अच्छा ये नहीं है यार, ये एक्चुअली ना गलत हो गया है, पोटेंशियल आपका नंबर है, उसको डेटा देखना पड़ेगा थोड़ा, सो ये मेरा ये फाइनली कन्वर्टेड नंबर है राइट, ये पोटेंशियल वाले हैं, मतलब कस्टमर आईडी से मैं जज कर सकता हूँ, और ये मेरा है पोटेंशियल, ओके 101 10 सॉरी। सो यहाँ पे मैं, अच्छा ये वाला चार्ट यूज ही नहीं करना, पहली बात ये यूज करना है, तो मैं यहाँ पे क्योंकि एक्सप्लोर आपके सामने कर रहा हूँ, पोटेंशियल 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 दिस राइट, अच्छा एक्स एक्सिस पे ही है, और यहाँ पे कस्टमर एग्रीमेंट वैल्यू मैं खुद थोड़ा सा यार ये थोड़ा सा ना बैठ नहीं रहा है, पोटेंशियल वर्सेस नॉन पोटेंशियल, आपने 650 कहा था, अच्छा समझ गया, देर इज अ मिस्टेक, आई कैन व्हाट आई कैन डू, आई कैन गेट वन मोर फिल्टर, अच्छा फिल्टर कहाँ है इधर का, सॉरी मैं गलती कर रहा था, यहाँ लेकर के आना है, एंड आई कैन पुट हियर दिस डोंट सिंक, कंट्रोल सी कंट्रोल वी फिर से करना है आपको, इसको यहाँ रखना है, एंड इसके अंदर मैं पोटेंशियल रखूंगा, पोटेंशियल ठीक है, यहाँ पे 1 और 0, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेल्स लेना है, कहाँ गया यार, एग्रीमेंट वैल्यू, 1 मिनट किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, लेट मी टेक दिस, और नहीं अच्छा ये रॉन्ग है, ये लेना है, अच्छा ये सारे के सारे तो पोटेंशियल वाले ही आएंगे क्योंकि रॉन्ग है 0, ठीक है ये तो सही है, नॉन पोटेंशियल वाले कहाँ गए, उसको कैसे बैठाना है, बैठाना है बैठाना है, पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल, यहाँ से पोटेंशियल और नॉन पोटेंशियल 6 बिलियन आपका एग्रीमेंट वैल्यू का है, नॉन एग्रीमेंट वैल्यू वॉकिंस वाले का किधर है, वॉकिंस वाले का, अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी ठीक है,
500 है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे आपके जो है, यहाँ पे भी कस्टमर आईडी आएगा लेकिन वॉकिंस का आएगा। अब मैं आपको मतलब दो चार्ट यूज करना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए, वॉकिंस का आएगा कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी ठीक है। तो यहाँ पे 2,500 है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये तो मेरे को मालूम है 500 ही आएगा, जो भी है। मतलब इसके अंदर में भी देखो कि 500 के अंदर में भी जो कन्वर्ट हुए हैं वो 468 कन्वर्ट हुए हैं, और यहाँ पे आपने पोटेंशियल में 650 दिया था। मतलब जीरो का पकड़ूंगा तो ये ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। मतलब जीरो जो कन्वर्ट नहीं है, ये भी मैंने डेटा के अंदर थोड़ा सा रखा है कि भाई पोटेंशियल लग रहे थे लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए, ठीक है। सो आपका यहाँ पे आप कितने एक्यूरेट हो, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो परसेंटेज की भाई आउट ऑफ 2,500 20% इसमें कन्वर्जन रेट, बट उसमें से भी जो पोटेंशियल कस्टमर थे जो फाइनल जा करके कटे या ना कटे, ठीक है वो चीज है। और यहाँ पे एक ब्लैंक वैल्यू जिसके वजह से वो बीच का कुछ 32 मिसिंग आ रहा, अदरवाइज ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज 650 लोगों में अगर मैं इसमें जो 650 लोग हैं ये जो है, इसका अगर मैं इसमें वैल्यू नहीं डाल सकता, मेन प्रॉब्लम ये है। तो मैं इसमें क्या करते हैं ना, बजटेड प्रॉपर्टी डाल के देखते हैं इसको ना, क्या करता हूँ ये करता ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि वो जो एक्चुअल में जो पोटेंशियल और नॉन पोटेंशियल का मुझे डिफरेंस कैलकुलेट करना था, जो फिलहाल यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि उसमें थोड़ा सा डीम और फैक्ट का ही गेम है, लेकिन वी वर एबल टू कैलकुलेट कि कितना कन्वर्ट हुआ है कितना कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो जब तक के लिए हम यहाँ पे पोटेंशियल जो है हम वो रख देते हैं, कस्टमर आईडी किधर गया, जिस वॉकिंस का कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी तो मैं वो आपके लिए रख देता हूँ। यहाँ पे 650 मेरे पोटेंशियल थे, उसमें से 468 मेरे पोटेंशियल एक्चुअली में जो कन्वर्ट हुए। यहाँ पे मुश्किल शायद यहाँ पे कहीं पे ना गलती से जीरो भी एंट्री हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, वो एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज यहाँ पे जीरो में ये 32 नहीं आएगा, ये एक डेटा का थोड़ा सा एरर है, मैं वो ठीक कर दूंगा। मतलब क्या करूंगा यहाँ जा करके, जहाँ पे मुझे डेटा के अंदर में जो ये वैल्यूज है ना, वी लुकअप मारते टाइम पे कुछ इश्यू हुआ है, ठीक है, अदरवाइज नहीं आता था, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, बजट वर्सेस बजट बाय कस्टमर जज ऑन एसएम एंड क्लोजिंग मैनेजर। सो यहाँ पे एक चीज है कि आप जब कस्टमर से मिले, एक मैं यहाँ पे पेज लेता हूँ कि एक कस्टमर से मिले, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर क्या करूँ यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ, कस्टमर ले लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 ओके। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कस्टमर आईडी या कस्टमर नेम ले लेते हैं भाई, कस्टमर नेम, ठीक है, ये मेरे कस्टमर्स नेम है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपका कुछ बजट था, उन्होंने बजट मतलब जब रहता है ना कि भाई मैं गया, मेरे को 2 करोड़ का फ्लैट चाहिए, मुझे 3 करोड़ का फ्लैट चाहिए, तो डेटा में कहाँ है, पहले पहले वो देख लो, तो मिलता नहीं है। उसका नाम क्या है, बजट, ये बुकिंग अमाउंट एग्रीमेंट वैल्यू है, वॉकिंस के अंदर में होगा दिस बजट प्रॉपर्टी, ओके बजट प्रॉपर्टी डिम लिखा है मैंने इसको, ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं, यहां पे ले आते हैं एक ये और बजट प्रॉपर्टी डिम, डिम तो एक ही रहेगा ये है, ठीक है। और कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी ठीक है, कहाँ गया यार, अरे यार ये कौन सा आ गया है, मैंने तो यही डाला था ना, बजट प्रॉपर्टी डिम, वहां पे कुछ और है, यहाँ पे क्यों आ रहा है, 1.5 करोड़ अप टू ये वैल्यू है, तो ये ऐसा क्यों आ रहा है। अच्छा देख रहे हो, कंट्रोल सी कंट्रोल अल्ट वी करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में क्या लिखा है 1,500, यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, इसके अंदर करोड़ अप टू लिख करके क्या बकवास है।
अच्छा एक चीज ये समझ लो कि यहाँ पे फिलहाल वो डेटा थोड़ा सफिक्स के अंदर में इश्यू हुआ है, 1500 मतलब 1.5 करोड़, 2 मतलब 2 करोड़, मतलब ये इस तरह से समझ जाओ। इसमें देखो दो ही चार ही फिल्टर है, 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ है। जब आप फ्लैट विजिट करने आते हो तो आप बोलते ना मेरा बजट ये है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितने लोग आए जिन्होंने बोला 2.5 करोड़ मेरा बजट है, 524 लोगों ने, 2 करोड़ बजट है, 646, सबसे ज्यादा 692 वाले लोगों ने बोला कि हमारा बजट इतना है, सबसे ज्यादा मतलब 1.5 करोड़ वाले बजट वाले लोग, 1.5 से 2 करोड़ के बीच में ज्यादा लोग है जो बजट बोले, लेकिन एक्चुअली में कितना कन्वर्ट हुआ, एक्चुअली में हाउ मच सेल्स बेसिकली हैपेंड, किधर गया? ये हम कैलकुलेट करेंगे, ये एक है कि इतने लोगों ने बजट बोला, लेकिन यहाँ पे ले आते हैं दिस वन मोर, फिर ले आते हैं एग्रीमेंट वैल्यू, फिर ले आते हैं इसमें भी बजट है क्या सेल्स में, सेल्स डेटा देख रहे हो भाई कितना एग्रीमेंट वैल्यू, इसके अंदर बजट है क्या? अच्छा इसके अंदर नहीं है, उसके अंदर ही है, तो वहां से ले आते हैं इसके अंदर भी यार डिम वाला, राइट। अब यहां से क्या मालूम पड़ रहा है आपको कि भाई जो बोल रहे थे यहां पे, थोड़ा सा ये चीज आपको समझने की जरूरी है, जिनका 1.5 करोड़ का बजट था 692, वो एक्चुअली में 1.5 करोड़ के जो बजट थे उससे ज्यादा लोग खरीदे हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे ना, ये एक्चुअली एग्रीमेंट वैल्यू, अच्छा इसमें एग्रीमेंट वैल्यू भी आ गया। ओके सो यहाँ पे कस्टमर आईडी की जगह पे यहाँ पे ना बजट वैल्यू ले लेते, पूरा बजट ही ले लेते हैं, बजट अप टू है एक बजट, ठीक है अब सही है, सॉरी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2.5 करोड़ के बजट वाले जो थे वो एक्चुअली में, जिन्होंने बोला कि मुझे 2.5 करोड़ तक का मैं फ्लैट खरीदूंगा, राइट, लेकिन 2.5 करोड़ में जो खरीदने वाले थे वो काफी कम, उससे बिजनेस काफी कम आया। जिन्होंने बोला हमारा 2 करोड़ का बजट है, उसमें अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में सही में लोगों ने खरीदा, जिन्हें 2 करोड़ का रेंज बोला था, जिसने 1.5 करोड़ का बोला था, जिनका बजट 1.5 करोड़ का था, लेकिन आपने 1.5 करोड़ से ज्यादा खरीदवाया, ठीक है। ये थोड़ा सा एक इनसाइट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। सो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि कभी जब कस्टमर वॉकिंग्स होते हैं तो कुछ कस्टमर होते हैं जो बोलते हैं भाई मेरा 1.5 करोड़ का बजट है, लेकिन जो आपकी टीम होती है सोर्सिंग मैनेजर क्लोजिंग मैनेजर, वो 1.5 करोड़ की जगह पे उनको 2 करोड़ का फ्लैट चिपका देते हैं, राइट। अब वो मेट्रिक्स कैलकुलेट करने में यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ रही है फिलहाल के लिए, तो आई विल कीप दिस इनटू द पार्ट टू के अंदर में थोड़ा सा, या जब भी पॉसिबल होगा मैं वो क्रिएट करूंगा, जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा हुआ है जहां पे लोगों ने बजट बोला है, आई कैन वो कैसे चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल एक इंसर्ट करता हूँ फिलहाल के लिए ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं वैल्यू लेके आता हूँ, वी लुकअप मार्केट इज इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप इक्वल्स टू क्या सर्च कर रहे हो, ये कस्टमर कौन सा कस्टमर था, कस्टमर आईडी। हैंग मत हो यार, हैंग मत हो, हैंग मत हो, हैंग मत हो। ओके सो मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी का वी लुकअप मार रहा हूँ, और मेरे को वॉक इन से लेना है, वॉक इन्स में कहाँ से चेक करना है, वॉक इन्स में कस्टमर आईडी किधर है मेरा, मैं आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। और इस चीज को ना देखो, जिसका एक्सेल अच्छा है उसका पावर भी अच्छा होगा, और इनका बजट, बजट कहाँ है, बजट वैल्यू स्टेम में ये रहा, ठीक है। अरे यार ये कॉलम ही काउंट नहीं किया, कितना कॉलम था, एक बार फिर मतलब भूल जाता हूँ, वी लुकअप, ठीक है। यहाँ पे वी लुकअप में क्या ढूंढ रहा हूँ मैं, कस्टमर आईडी ये मिल गया कॉमा, फिर मैं वॉकिंस में आता हूँ और कहाँ गया, ओके कस्टमर आईडी से लेकर के कहाँ तक कितना कॉलम नंबर है वो याद रखना, कॉलम नंबर कितना, प्रॉपर्टी अप टू कॉलम नंबर 19, तो कॉमा 19, कॉमा 0, ठीक है एंटर।
तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, ठीक है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये क्या हो रहा है यार, क्या हो गया यहाँ पे, क्यों नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू किधर है मेरा, ये लुकअप वैल्यू है, कहाँ ढूंढ रहा हूँ मैं, क्यों नहीं आ रहा। कभी कभी ना ये सच्ची में दिमाग खराब कर देते हैं सेटअप्स। ये मेरा तो अगर अभी नहीं आया तो मैं एक चीज करूंगा, यहां से कॉमा 19 कॉमा 0। अच्छा यार ये तो ले ही नहीं रहा है, एक मिनट, ये वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम है क्या, एक मिनट, यहाँ पे मैं एक इंसर्ट मारता हूँ। और देखो ये सब करना पड़ता है आपको, ये सब सब चीज आना चाहिए, ठीक है। यहाँ लेकर के मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये मेरा कस्टमर आईडी हो गया, इसका ये वैल्यू हो गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आकर के इज इक्वल टू वी लुकअप, एक मिनट, एक काम करते हैं, एक और यहाँ पे इंसर्ट मारते हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। ये कंट्रोल सी यहाँ पे डाल रहा हूँ, वी इसके अगेंस्ट में वैल्यू चाहिए, वी लुकअप टेबल एरे कौन सा है, कॉमा 2 कॉमा 0। अब तो आना चाहिए, इसका भाव भी आना चाहिए। अब वी लुकअप काम करना बंद कर दिया। सो यार अब इसको वी लुकअप क्यों नहीं काम कर रहा है, दिस दिस शुड नॉट हैपन यार। कुछ सेटिंग है क्या यहाँ पे, डेट, अच्छा डेट, अच्छा ऊपर से डेट था इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा था। सो सी दिस, सो आई वाज टेलिंग दिस, अब मैं यहाँ पे ऊपर डेट में कन्वर्ट था कि अब यहाँ पे देखो ये जो कस्टमर आईडी है उसने कितना पे किया और कितना बजट था इसका, तो ये इसका बजट था, लेकिन जो खरीदा उसने इतने में खरीदा, तो लगभग, सॉरी सॉरी यार, एक्चुअली ये माइनस ये करना है मुझे। तो यहां पे आप देखो कंट्रोल शिफ्ट एल, यहां पे मैं क्या ढूंढना चाहूंगा एज अ मतलब यहां पे देखो मैनुअली कैसे कर रहा हूं, यहां पे मैं देखूंगा यार जो माइनस में ना ये मेरा लॉस है, क्योंकि उनके जो बजट थे ना उससे सस्ते दाम में उन्होंने खरीदा है, क्यों ऐसा हुआ इसका मतलब। या ये हो सकता है कि यार ये आए थे बोले थे भाई 2 करोड़ का फ्लैट खरीदेंगे चौड़ा होकर के, बट खरीदे लोगों ने 83-84 लाख का फ्लैट, मतलब ये लोग सही लोग नहीं है। लेकिन आपकी सेल्स टीम को कैसे जज करें, तो मैं जज करूंगा ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 1 करते हैं, माइनस चले जाएंगे। ये मेरे वो हैं जो अच्छे से सेल्स किए हुए हैं, मतलब क्या, ये बंदे का जो बजट था भाई 1.5 करोड़ का बजट है मेरा, लेकिन इसको 1.97 मतलब 2 करोड़ का फ्लैट चिपकाया। इसका बजट था 1.5 करोड़ का, इसको 2 करोड़ में बिकवाया। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये कौन सोर्सिंग मैनेजर और मेरे क्लोजिंग मैनेजर हैं यहाँ पे जिन्होंने ये कर दिखाया है, ये चैनल पार्टनर है, ये कस्टमर है, ये मेरे सोर्सिंग मैनेजर है जिन्होंने ऐसा काम किया है, राइट। तो ये चीज बेसिकली पावर बीआई में मुझे बैठाना था, पर यहाँ पे आपको समझ गया। तो ये मैं कैसे डिसाइड करूं कि ये मेरा एक्चुअल में इतने सारे लोग हैं, मतलब आउट ऑफ दिस कितने हैं टोटल, 26 पीपल आउट ऑफ 500 आई हैव सोल्ड देम, ज्यादा मतलब उसको कन्वर्ट किया। अभी इसका मैं क्लोजिंग मैनेजर अगर मैं चेक करूं, क्लोजिंग मैनेजर भी अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से क्लोजिंग मैनेजर में यहाँ पे आप देखो कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंट्रोल सी मैं यहाँ पे ले आता हूँ और मैं चेक करूँ फिलहाल के लिए, यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल अल्ट ए एम, यहाँ से देखो मैं एकदम माहिर हूँ। इसमें से मेरे को 9 लोग मिल गए जिसमें से मैं बता सकता हूँ कि भाई उर्वी दृष्टि ये लोग ने जिन्होंने ये अच्छे से बेचा, दीज आर द गुड सोर्सिंग मैनेजर आउट ऑफ जो भी आपके 17-18 आई थिंक 12-13 सोर्सिंग मैनेजर क्लोजिंग मैनेजर थे, इसमें से ये बेस्ट है जिन्होंने अच्छे दाम में कन्वर्ट किया है। अब इसमें से भी जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं काउंट,
आप डुप्लीकेट कर सकते हो, उसमें से भी आप काउंट कर सकते हो पावर बीआई में कि अद्विक ने ज्यादा, मेरे को और भी ज्यादा दिखाई दे रही है जिसने बेचा है. सो आई वॉज सेलिंग फ्रॉम दिस, आई वॉज ट्राइंग टू डिराइव दिस एंड आई विल डू दिस ऑन पावर वे ऑल्सो, बट नॉट टूडे. ठीक है, एवरेज रेवेन्यू पर वॉकिंस. तो यहां से मैंने आपको क्या दिखाया ना, बेसिकली यू आर जजिंग कि आपके एसएम कौन से अच्छे हैं जिन्होंने इतना बजट था पर ज्यादा में बेचा, आपका बिजनेस वो ज्यादा कर रहे हैं. राइट नाउ द सेकेंड थिंग इज कि वॉट इज एवरेज रेवेन्यू पर फ्लैट या वॉकिंस के पीछे आपने कितना खर्चा किया. तो पर वॉकिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं यहां पे, तो एवरेज रेवेन्यू पर वॉकिंग मुझे निकालना है. सो मेरा रेवेन्यू क्या आएगा, पहले तो मैं यहाँ पे सेल्स के अंदर जाकर के कैलकुलेट करता हूँ न्यू मेजर. पहले मैं सेल्स बना लेता हूँ, तो टोटल सेल्स कितना है मेरा, वो तो मेरे को पता है कि 500 बिलियन है, सॉरी 5 बिलियन है. टोटल सेल्स, यार ये एक डैशबोर्ड है, इसमें इतना टाइम हो गया. सोचो अभी एक ऑटोमेशन है, दैट विल टेक अनदर. मैं आपको रियल वाला बनाने वाला हूँ, रियल वाले बिजनेस इंटेलिजेंस बनोगे ये करने के बाद. रियल स्टेट के टोटल सेल्स इज इक्वल टू सम ऑफ सम एग्रीमेंट वैल्यू. ठीक है, कोई कुछ नहीं सुनेगी अभी यार, तेवर तेवर ठीक जो है. मतलब नाउ आई प्लान वुड था लाइक वो टू तो नो करके रखते हो हमेशा। बेसिकली एक और मेजर कैलकुलेट करना है मुझे. अरे बिल्कुल नहीं सुन, मैं एक जितने 2,500 वॉकिंग्स आए हैं, तो मैं पर वॉकिंग के हिसाब से कितना धंधा कर रहा हूँ. तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है कि कंपनी का कॉस्ट कितना है, लेकिन रियल स्टेट कंपनीज में 18% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन होता है. कैश कंपोनेंट का मार्जिन आपका 8%, 6-7% कैश होता है, मतलब अभी भी ब्लैक में डील जो होता रहेगा 6-7% का होता है, बाकी 12-13% प्रॉफिट मार्जिन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं करने वाला था एवरेज रेवेन्यू पर वॉक इन इज इक्वल टू. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेल्स, टोटल सेल्स जो मैंने निकाला था, डिवाइड बाय कस्टमर आईडी, सॉरी काउंट कस्टमर. तो मेरे तो 2,500, डायरेक्टली मैं 2,500 से कर सकता हूँ यार, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए कि मुझे ज्यादा आता है, आई कैन डू दैट ऑल्सो डायरेक्टली 2,500 डायरेक्टली लेकर के. सो यू कैन सी दिस एवरेज रेवेन्यू पर यूजर मैं बना लूँ, वेयर इज दिस, सो 2.26 मिलियन, मतलब 20 लाख, मतलब 2,26,000 रुपए के आसपास जितने वॉकिंग्स है उसके हिसाब से ये मेरा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है जो वॉकिंग हुए हैं. सो क्या ये मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, तो ये इस तरह का आप जो डीमार्ट होते हैं, तो डीमार्ट में बेसिकली टाइल्स, 1 स्क्वायर फुट में कितना माल रखा गया, कैडबरी चॉकलेट अदर अदर आइटम्स, और उस 1 स्क्वायर फुट पे कितना बिजनेस जनरेट किया, ये आपके रिटेल्स में भी होता है. ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो रोमांसिंग विद इक्विटी बुक है, जो आपको वहां से परचेस करो तो आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द डोमेन. ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पर वॉक इन मिल गया कि ये है. तो मतलब अगर एक कस्टमर को यहां तक लाने के लिए, मतलब कस्टमर कॉलिंग किया, डेटा कॉलिंग किया, आपका डिजिटल मार्केटिंग किया, आपका रेफरल से लाया, जितना भी टैक्सी से आया, गाड़ी से आया, आप जब भी घर देखने जाते हो ना, तो आपको सामने से कैब बुक कर देते आने और जाने का, तो पूरा एक्सपेंस मतलब आ गया. लेकिन ये रेवेन्यू कर रहे 2.26 मिलियन, तो इनका मतलब कॉस्ट कम से कम इसके नीचे होना चाहिए, मतलब इससे नीचे, अदरवाइज तो आप लॉस मेकिंग हो. पर यूजर, एक यूजर को लाने में आप तो एक रेवेन्यू, एक यूजर पे इतना कमा रहे हो, तो आपका कम से कम मेरे ख्याल से 1.8 मिलियन या 1.6 मिलियन के आसपास खर्चा हो रहा है ये रेवेन्यू, मतलब इतना, मतलब लगभग मैं कह रहा हूँ 80% आपका कॉस्ट होना चाहिए, बाकी ऊपर का ही मलाई होना चाहिए. तो आपको इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा, इतने यूजर के ऊपर इतना जा रहा है. लोकेशन वाइज हाई बजट, तो यहाँ पे एक चीज और देते हैं कि देखते कौन से एरिया के लोगों ने सबसे ज्यादा फेंका है. सो आई एम कंसिडरिंग हियर लोकेशन, दिस इतने सारे लोकेशन है. अब यहां पे मैं बजट, ऑफ कोर्स कांदी वाले, अब ये डेटा भी आपका अगर देखो, सो ये बेसिकली आ रहा है कि जो बजट सबसे ज्यादा, जो
मतलब ये मैं चाहूं तो इसको और अलग तरीके से देख कर सकते हैं, जहां पे कस्टमर आईडी को रख करके और उसके ऊपर लोकेशन लेकर के उसके ऊपर वैल्यू दे करके। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है कि कांदीवली में अगर किसी ने 1.5 करोड़ बोला है, तो 1.5 करोड़ कांदीवली के 50 लोग आए और किसी ने 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 2.5 करोड़, तो उनका टोटल मिला करके यहाँ पे ओवरऑल मोटा मोटी मालूम पड़ता है कांदीवली के लोगों ने ज्यादातर बजट्स दिए हैं। इससे मालूम पड़ता है वहां पे इनकम लेवल काफी ज्यादा है। आई थिंक हमने वो बनाया है इनकम लेवल सबसे ज्यादा, जो मुंबई में भी आपके कुछ ऐसे बांद्रा है, साउथ बॉम्बे है, गोरेगांव है, मलाड है, कांदीवली है, ये कुछ ऐसे लोकेशन है जहां पे बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, राइट। तो वो लोकेशन के हिसाब से दिस इज क्लियरली प्रभा देवी, राइट, ये सब लोकेशन से आ रहे हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो ऐसे लोकल से भी आ रहे हैं जहां पे दे आर ऑल्सो बिटिंग। तो आई कैन कम से दैट कि ज्यादातर जो बजट लोगों ने कहा है वो दिस इज कांदीवली की तरफ से। एवरेज टाइम टू रिलीज द ब्रोकरेज पेमेंट, अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, एक डेज करके, आई थिंक डेज है क्या यहाँ पे, वॉकिंस का डेट इसका नहीं, मैंने डेज नाम लिखा है कि डेट लिखा है, लेट मी कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल करके मैं फिल्टर हटा सकता हूँ। एंड सेल्स के अंदर मुझे एक चीज नहीं दिख रहा है, कहाँ नहीं दिख रहा है यार, अरे यार किधर गया वो, अच्छा वही बोल, किधर गया है, इधर। सो एवरेज डेज, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर दू पूरा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा 29.22, दिख रहा है आपको ये 29.22। सो बेसिकली आई वुड लाइक टू कैलकुलेट, इसका नाम क्या रखा था मैंने यार, साला इसका नाम डेज ही रखा था मैंने, ठीक है लेट्स सी डेज, हाँ ये रहा। तो ये एक चीज है मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है यहाँ पे कि ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है अपने सीपी को पैसा रिलीज करने में। तो मतलब जब कोई नया, क्योंकि सोर्सिंग मैनेजर का काम है नए नए सीपीस को लेकर के आना, और वो और धंधा लेके सीपी में सी सोर्सिंग मैनेजर चाहे तो डायरेक्ट क्लाइंट को भी हैंडल कर सकता है और सीपीस को ज्यादा अट्रैक्ट करना है। तो ऑन एन एवरेज ये ऐसे कह सकता है कि भाई हमारी कंपनी में आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाता है ऑन एन एवरेज, राइट। सो यहां पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, सीपी ब्रोकरेज रिलीज, जो भी है ब्रोक रिलीज, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, होप यू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, ठीक है। एवरेज डे यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एवरेज का फॉर्मूला लगा करके सेल्स डेटा के अंदर जा करके यहाँ पे डेज में आ सकता हूँ, सेल्स डेज 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 दिस डेज, तो ये सब चीज काम रहता है। तब सीएसओ बोल सकता है यार आप कहीं और जाके काम करो, वहां पे जाके देखो, वहां पे एवरेज डेज रिलीजिंग का कम से कम 45 दिन का, हमारा एवरेज डेज आप देखो कितना कम है। सो दीज आर द थिंग्स दैट सीएसओ वुड बी रिक्वायर। अरे यार एवरेज रेवेन्यू पर वॉकिंग कैसे आ गया, एवीजी कुछ नाम था क्या, इसका नाम क्या लिखा था यार, सीपी ब्रोखा रिलीज ये था क्या। सो आप देखो 22.9 आ गया, मतलब ये भाई लगभग आपको 30 दिन लगता है हमारे यहाँ से पैसा रिलीज होने में। 500 सीपी लोगों ने सेल्स किया है हमारे पास, और ऑन एन एवरेज हमने यहाँ पे 29 डेज लिखा है। आप चाहो तो यहाँ पे मैक्स भी निकाल सकते हो, मैक्स ऑफ दिस मैक्सिमम इतना लगा और मिनिमम इतना लगा है, ठीक है। तो मैक्सिमम निकालना, तो उसके लिए भी आप फॉर्मूला लिखो यहाँ पे जा करके, न्यू मेजर मैक्स मीन ऑफ दिस जो भी है, एक करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैक्स ही लिखता हूँ, इज इक्वल टू मैक्स सेल्स डेटा के अंदर डेज, ठीक है कैलकुलेट, ठीक है। तो मैक्सिमम डेज कितना लगता है, अगर आपका पैसा कितना भी बुरी टाइम अटका तो हम कितने टाइम में रिलीज किए हैं, यस 59 डेज। तो 59 डेज मैक्सिमम आपका पैसा रिलीज हो जाता है, मैक्सिमम अब तक का हाईएस्ट जो सीपी को मिला रहेगा वो 60 दिन, मतलब फ्रस्ट्रेशन तो हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पे सीपी एक काउंटर क्वेश्चन कर सकता है, आपका 29 एवरेज डेज है और मैक्सिमम 59 है, लेकिन व्हाट इज नंबर ऑफ सीपीज गेटिंग देयर कमीशन इज मोर देन 29 डेज। तो यहाँ पे ये मैं इस पे कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल, यहाँ पे कर देते हैं नंबर ग्रेटर देन 29,
यार 30 वाले कितने हैं, मतलब ये लोग, ये बेचारे लोग को, मतलब जो 38 दिन भी लग गया है लगभग, यहाँ पे आपके आ गए 239 CPs, मतलब 50% ऑफ द सीपीज को कम से कम भाई पैसा 50 दिन के बाद ही मिलता है, मतलब 50-50% प्रोबेबिलिटी है। और उसमें से भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ऑन एन एवरेज 29 डेज है, लेकिन असली में जो रजिस्ट्रेशन होता है आपके घर का, वो एक्चुअल में होता है मिनिमम 45 डेज, ग्रेटर देन, मतलब सॉरी, ग्रेटर देन 44 डेज, 45 डेज, मतलब एक्चुअल में जो हमने सीपीस को पैसा पे किया है वो है 113, बाकी किसी को पैसा मिला ही नहीं है। राइट, सो कहने के लिए 29 एवरेज डेज है, लेकिन मिनिमम 45 डेज के बाद ही सबको पैसा मिला। और इतने सारे आप देखो, 60 दिन पे भी पैसे मिले, 59 दिन पे भी। अभी डेटा मैंने बनाया तो मुझे पता है कि 59 इज द लास्ट डे। सो ये, अगर आप डेटा क्लीनिंग में मास्टर हो, डेटा बनाने में मास्टर हो, आप डेटा को डिफाइन करने में मास्टर हो, सो आप कोई भी कंपनी का एनालिटिक्स आसानी से कर सकते हो। लेकिन दिस इज माय थर्ड लव। थर्ड लव मतलब क्या? फर्स्ट लव इज माय वाइफ ऑफ कोर्स, सेकंड लव इज माय स्टॉक मार्केट, एंड थर्ड लव इज एनालिटिक्स। राइट, तो इसके लिए आई सेट की थर्ड लव है मेरा, तो आपका प्यार होना जरूरी है, लेकिन मेरा रोजी रोटी सब चलता है स्टॉक मार्केट से। नाउ कमिंग बैक टू, कहाँ थे हम, और नेक्स्ट इसने क्या कहा है। सो यहां तक मैंने आपको दे दिया है। आई थिंक इसमें जो और एडवांस लेवल का जो एनालिटिक्स करना है, फिलहाल वॉक इन सेल्स डेटा से। अब एक चीज आप देखो कि इतना सारा टाइम लगा है, अगर मैं कंस्ट्रक्शन डेटा के ऊपर बनाऊं तो अनदर इट विल टेक आई थिंक 40 मिनट्स, तो ये इस पर मैं नहीं बनाऊंगा फिलहाल के लिए। बट यू कैन अंडरस्टैंड वहां पे क्या हो सकता है कंस्ट्रक्शन डेटा में, कौन सा फ्लोर पे मेरा फ्लोरिंग चल रहा है, फिनिशिंग चल रहा है, कहाँ काम रुका हुआ है, सेकंड फ्लोर पे कोई इश्यू है क्या, कोई क्रिटिकल इश्यू चल रहा है, कोई सेफ्टी हजार्डस का प्रॉब्लम हुआ है, एनीथिंग कैन बी मेड। बट दैट लॉजिक आई कैन नॉट ब्रेक, बिकॉज ये मेरा कोको कोला सीक्रेट है। जैसे कोको कोला का रेसिपी सीक्रेट है, वैसे ये मेरा सीक्रेट है, बिकॉज इसको बनाने के लिए बहुत वक्त लगा है। ठीक है, सो हमने यहां तक कर दिया वॉक इन और ये। अब हमने अभी तक क्या सॉल्व किया, आपको क्या लगता है क्या सॉल्व किया अब तक हमने? सिर्फ और सिर्फ जो सीएसमो था, सीएसमो का अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ वॉक इन डेटा, लीड एनालिसिस डेटा ही एनालाइज किया है, और ब्रोकरेज डेटा एनालिसिस किया है। बाकी अभी ये कॉम्पिटिटर फाइनेंशियल ये तो बाकी है बॉस, इसमें 2.5 से 3 घंटा जाएगा, तो मैंने अब तक लंच नहीं किया है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार फटाफट सब्सक्राइब करो, तब मैं इसी तरह आपके लिए कंटेंट और बनाता रहूंगा, जो कोई और बनाने का प्लानिंग नहीं करता। सो आपको क्या लगता है, जो अभी तक हमने क्रिएट किया सारे के सारे 7 पेजेस फ्रॉम सेल्स, वॉक इन एंड थोड़े बहुत इनसाइट, और जिसका पार्ट टू आगे क्रिएट करने वाले हैं, राइट? बट यहाँ पे कोई भी चीज एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखा गया है। एक चीज आपने नोटिस किया रहेगा कि इनसाइट तो निकले हैं, बट इतने सारे चीज को क्यों ना हम कुछ अलग वे में अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पार्ट मैंने आगे रखा था, जो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका। सो ये सारे के सारे चीज कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करें एक सिंपल वे में, एट वन क्लिक, ये सारा का सारा इनसाइट आप क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए मैंने ये खुद से थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज वे बनाया था, अब मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। वॉक इन्स का लेते हैं एंड सेल्स का लेते हैं, ठीक है? विल स्पेंड अनदर 15 मिनट्स, 15-30 मिनट्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस डेटा कैन बी अरेंज्ड इन अ गुड वे, राइट? सो इसमें क्या करना है कि जो पहले जो फिल्टर्स थे वहां पे आपने देखा रहेगा कि एक ही फिल्टर थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल फिल्टर्स रखेंगे और एक कॉमन चार्ट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगरेशन का बनाया 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, उसके हिसाब से अलग से क्रिएट किया। आपने एज ग्रुप का बनाया, उसके हिसाब से अलग से क्रिएट किया। व्हाई नॉट अ सिंगल चार्ट, एंड देयर शुड बी अ स्लाइसर दैट वुड हेल्प यू टू, एक ही चार्ट से आप सारा का सारा इंसाइट जनरेट करो। सो दैट इज वी आर गोइंग टू क्रिएट। मैं यहाँ पे 2 पेज क्रिएट करके दूंगा, एंड रेस्ट आई एम लिविंग अप टू यू कि आप कैसे करते हो। तो लेट मी क्रिएट दिस, तो मैं यहाँ पे फटाफट क्रिएट करूंगा ताकि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में भी दिखाई दे, नहीं तो बोलेंगे पूरा का पूरा आपने सब भर दिया सर, यू कुड हैव, ने तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे इसको तो इस तरह से करना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। आई नो दैट पीपल आर, लॉट ऑफ पीपल पॉइंट आउट करने के लिए अवे रेडी रहते हैं, बट
देर इज नो बडी। अब ठीक है तो यहां पे मेरा ये क्वार्टर्स का आ गया। ठीक है सिमिलरली आई विल डू इट फॉर, इसको मैं कॉपी कर लेता, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सब कॉपी करके लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सब कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी क्यों कर रहा हूँ, यू विल कम टू नो। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है यहां क्वार्टर था, दिस आई विल चेंज टू दिस एज अ एज ग्रुप, दिस आई विल चेंज विद एथनिसिटी, दिस आई विल चेंज विद एनुअल इनकम। मैं फटाफट क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि मैंने क्रिएट करके रखा है आपके लिए ताकि स्टार्टिंग में लगे कि ऐसे ऐसे इनसाइट आपको निकालना था, वन पेज टू पेज। नाउ हाउ दिस इज, यू कैन अरेंज इन अ मच बेटर वे। एनुअल इनकम हो गया, देन आई हैव लोकेशन। अब आपको थोड़ा और बेटर इनसाइट मिलेगा और आपको मल्टीपल पेजेस को चेंज नहीं करने पड़ेंगे, कॉन्फिगरेशन। अब देखो डिजाइन पे मत जाना मेरे, बिकॉज आई एम नॉट गुड एट डिजाइनिंग। आपने इतना तो चीज समझ लिया रहेगा कि इसको डिजाइन करना नहीं आता है, बाकी चीज में ही इज गुड, नॉट एक्सपर्ट बट एटलीस्ट यू कैन से गुड, राइट। पैरम सोर्स, लीड सोर्स क्यों नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि लीड सोर्स आपको पता है कि इसमें मल्टीपल बहुत सारे हैं। नाउ विल टेक सम कार्ड्स, दो कार्ड लेंगे, नंबर ऑफ वॉकिंग्स एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जो हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। तो यहाँ पे कस्टमर आई डी, कस्टमर आई डी एक सेल्स का, वॉकिंस का ले लेते हैं, दिस 2500 आप चेंज कर ले रहे हैं नेमिंग, और उसमें से कितने एक्चुअल में सेल्स हुए हैं उसके लिए सेल्स वाला कस्टमर आई डी ले लो। ये इधर ऑलरेडी है, यहाँ पे फिर मैं और क्या लेने वाला, कितना परसेंटेज कन्वर्जन है, मैं आपको थोड़े टाइम में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इसको क्रिएट करते हैं। अच्छा कोवर्जन मेरे इसमें लिखा हुआ है, कन्वर्जन की जगह पे इसके लिए वो नहीं आ रहा था। 20% थोड़ा सा इसको और इधर करते हैं, थोड़ा सा इसको सेंटर में करते हैं, जो जो चीज इंपॉर्टेंट थे। अब देखो यहाँ पे मैं स्लाइस एंड डाइस करूंगा ना तो चीजें अपने आप चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, अब मुझे सिर्फ एज ग्रुप को देखना, उसमें से कितने कस्टमर आए थे, 250 लोग आए थे वॉकिंग्स में जो कि 61-90 के बीच में थे, बाकी उसमें से 44 लोग एक्चुअल में कन्वर्ट हुए और 17% इज द कन्वर्जन रेट। कौन से लोकेशन से आए थे, आई कैन चेक दैट ऑल्सो यूजिंग अ वेरियस, अगर आप यहाँ पे कॉलम चार्ट क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है कि कांदीवली से गोरेगांव से सबसे ज्यादा आए थे, तो कांदीवली से 75, उसमें से 9 कन्वर्जन 12%, सो आई कैन डू दैट। ये कौन सा बीएचके देख रहे थे, सो ये भी मैं अलग से क्रिएट कर सकता हूँ, लेट मी क्रिएट दैट ऑल्सो पार्ट। अब मैं आपको एक चीज और क्रिएट करके दूंगा, जहां पे ये तो हमारा पैरेंट मोड एंड सब एवरीथिंग आ गया, राइट। यहाँ चाहो तो मंथ भी, इसमें से हिंदू मुस्लिम जो गुजराती जैन कितने हैं, सो लेट्स, जैसे कि आपको पता है हमारे इसमें गुजराती और जैन ज्यादा है, सो वी कैन चेक दिस, आउट ऑफ दिस 160 गुजराती ने परचेस किया है, राइट। तो यहां से मुझे आसानी से मालूम पड़ रहा, वहां पे क्या हो रहा था कि मल्टीपल चीजें बहुत सारे क्रिएट हो चुके थे और दिख नहीं रहा था, इसके लिए मैं ये आपके लिए क्रिएट कर रहा था। अब यहाँ पे मैं एक डोनट चार्ट ले लेता हूँ, काफी बड़ा वाला डोनट लेता हूँ, क्यों ले रहा हूँ, यू विल कम टू नो, इतना बड़ा वाला डोनट, ठीक है। इस डोनट के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू पुट दिस, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस लीड मोड, इसमें हम डालेंगे, सॉरी माउस, आज तो यार आज भी आवाज आ रही, दिवाली तो चालू हो गया तो छुट्टी पे रहनी चाहिए सबके, सब स्टिल नॉइजेस आर कमिंग आउट, सो लेट मी पुट दिस इन वॉकिंग लीड मोड, यहाँ पे लेजेंड में आ गया है। एंड उसके बाद इसके अंदर में वी आर गोइंग टू पुट कस्टमर आईडी, जो हमारे पास सेल्स का है और एक इसका है वॉकिंग्स का, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मुझे इस तरीके का नहीं, ऐसा चीज इसको मैं इसमें कर देता हूँ, सम बस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, देख रहे हैं। इसमें से मेरा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें से मुझे डायरेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि हमको सिर्फ दिखाना है
जो भी सेल्स हुए हैं किस चैनल पार्टनर के थ्रू हुए, अब तक तो आपको इतना कंटेक्स्ट समझ में आ रहेगा। तो मुझे यहाँ पे टॉप 15 या जो भी, मतलब ओवरऑल मैंने इस पे किस तरह से लगाया है फिलहाल, रीड मोड ऑल रख सकते हैं फिलहाल के लिए। यू कैन चेंज इट टू दिस एंड यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे डायरेक्ट को हटा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी यहाँ पे आपको दिखेगा, अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है दैट यू कैन ऑल्सो डू दैट, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था। अब इसको ही ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि 813 लोग जो आए थे वो आपके डायरेक्टली आए थे और बाकी चैनल पार्टनर के थ्रू आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और करने वाला हूँ, इसी को कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी एक और बनाने वाला हूँ, सॉरी कंट्रोल सी कंट्रोल वी क्यों नहीं हो रहा है, दबा अच्छा हैंग हो गया क्या, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अच्छा ये कॉपी नहीं होता, एक काम करते हैं दूसरा एक डोनर चार्ट ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करने वाला, सेम चीज करने वाला हूँ, कस्टमर आईडी आई एम गोइंग टू कीप बट सेल्स का, एंड आई एम गोइंग टू कीप टोटल सेल्स या आपका जो सॉरी लीड मोड, कस्टमर आईडी इधर की इधर आ गया, इधर आ रहा है लीड मोड। अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसका डिटेल डिटेल्स लेजेंड ऑफ करना है, इसका जो सेटिंग है इसमें इफेक्टिवनेस में ये जा करके 100% कर देना है। अब इसको उठा करके मैं इसके ऊपर रखूंगा, इसका ई भी बंद कर देते हैं, टाइटल भी ऑफ कर देते हैं। अब मुझे यहां से ना कुछ ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि यहां पे मैं देखता हूं 813 डायरेक्ट वॉकिंस हुए, उसमें से 172 वॉकिंस कन्वर्ट हुए, विच इज 34.4%, राइट। यहां से मैं अभी यहां से कुछ भी अगर चेंज करना है हिंदू, राइट, तो उसके हिसाब से सब चेंज होएगा, देखो सिर्फ। सो यहाँ पे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मुस्लिम्स का तो पॉपुलेशन निकलता तो काफी कम दिखाई देगा, 5 दिख रहा रहेगा आपको, कन्वर्ट आउट ऑफ कितने आए थे, 15, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन इजिली क्वार्टर वाइज भी मैं चेक कर सकता हूँ, तो मुझे 10 पेज खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब एक चीज और था जो हमारा पोटेंशियल रेवेन्यू था और बजेटेड रेवेन्यू था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना कि हम एक बजेटेड रेवेन्यू ले लेते हैं कि बजेटेड रेवेन्यूज कितने थे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि भाई अगर सब कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर ये 2500 लोग कन्वर्ट होते, और एक चीज याद रखना कि जो यहाँ पे बजट रेवेन्यू जो लिखा था 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, राइट, इस तरह से उसे इनका टोटल ले रहे, हमेशा याद रखना कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हो, वहां पे फ्लैट्स लेने जाते हो, थोड़ा आवाज हाई करके बोलता हूँ, तो वहां पे अगर कोई कहता है कि 1 करोड़ उसमें सर आपको फ्लैट पड़ेगा फर्स्ट डिस्कशन पे, तो वो प्राइस कम से कम आपको 8% आप उसको कट करके 10% तक नीचे ले जा सकते हो, वो उनका बॉटम प्राइस रहेगा। 10% कट करो दैट वुड बी योर बॉटम प्राइस, वहां पे आपको डील करना है। सिमिलरली जब मैंने परचेस किया था तो सिमिलरली 10% कट करके वहां पे जाकर क्लोज किया था, मेरा 9.5% के नीचे तक मैं गया था, जितना भाव बोला था उसका 9.5% नीचे। तो यहाँ पे भी जो बजटेड है वो तो आपका बजट वैल्यू है, तो अगर आपको रियल वाला निकालना है तो उसके लिए तो उन्होंने दिया नहीं है, तो फिलहाल हम कंसिडर करते कि इस फ्लैट की कीमत बजट के हिसाब से थी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बजट एक मिनट दिख नहीं रहा है किधर है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। अगर ये जितने का था, अगर Q4 इसको हटा देते हैं, टोटल 43 बिलियन के आसपास है, कि अगर 4,300 करोड़ के आसपास है ये पूरा, अगर कि मतलब धंधा होता, अगर लोग आते थे 1 करोड़ बोलता है 1 करोड़ में खरीद लेता, 1.5 करोड़ बजट बोलता है 1.5 करोड़ में खरीद लेता, तो इतने में ये लोग का धंधा होता। लेकिन हमने एक पोटेंशियल रेवेन्यू, तो ये आपको समझना है कि भाई ये बजट के हिसाब से 1 करोड़ बोला है, तो उससे मुझे 10 लाख कम करना है, वैसे आपको सोचना है 10 लाख, 50 लाख, जो भी आपका कम करना है। तो यहाँ पे अगर मैं कट करूंगा तो लगभग 25% कट करूंगा, क्योंकि ये बजट अप टू है, ये फ्लैट का जो वैल्यू आपको, आप बोलते हैं ना कि आपने बोला कि मेरा बजट 1.5 करोड़ है, तो आपको 1.5 करोड़ का फ्लैट नहीं दिखाएगा सर, बोलेगा हमारे पास जो प्राइस चालू होता है सर 2 BHK का वो 1.2 करोड़, लेकिन अप टू आपने अप टू टिक 1.5 करोड़ किया, तो आपको 1.2, 1.75 करोड़ के आसपास का फ्लैट दिखाएगा, लेकिन वो फ्लैट आपको 1.2 करोड़ के आसपास रहेगा। तो ये वैल्यू एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ सर्वे के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए नहीं, अदरवाइज इसका वैल्यू मेरे ख्याल से और लेस हो जाएगा, लगभग मेरे ख्याल से ये 20 बिलियन के आसपास आ जाएगा, तो इसको आप 30% से रिड्यूस कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज और था, एक आपका पोटेंशियल था, अगर आपको याद होगा जब हम एक्सेल पे भी सॉल्व कर रहे थे, तो
तो यहां पे मैं क्या करूंगा ना, पोटेंशियल ले लेता हूं, पोटेंशियल बायर, इसको निकाल करके मैं यहां पे डाल देता हूं। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहां पे पोटेंशियल बायर ये नहीं, हमारा स्लाइसर है 1 और 0। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में रखता हूँ, इसको बिटवीन की जगह पे विल यूज अ टाइल, थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो आप चाहो तो इसको यहां भी रख सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए हम इधर रखते हैं। मतलब ये मेरा अब पोटेंशियल बायर कितने थे, पोटेंशियल बायर 650 पोटेंशियल बायर थे, राइट। ये 468 आपको पता है थोड़ा सा डेटा के अंदर एरर, वो चेंज करना है। तो अगर ये पोटेंशियल बायर के हिसाब से इन्होंने अपने बॉस को बोला रहेगा भाई 11 बिलियन का बिजनेस होने वाला, 1100 करोड़ का धंधा होने वाला है, लेकिन मैंने आपको कहा कि ये जो बजट के ऊपर डेटा लिया गया है तो इसका 50% आपको स्लैश करना, मतलब लगभग 650 करोड़ का धंधा प्रेडिक्ट किया था, लेकिन एक्चुअल में आपको पता है कितने करोड़ का धंधा हुआ, अगर आपको याद होगा तो। लेट मी यहां पे लाता हूं मैं एक और, इसी को कॉपी करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल बी, इसको साइड में लेते हैं, एंड यू विल कम टू नो कि व्हाट इज द टोटल सेल्स या एग्रीमेंट वैल्यू। दिस इज योर एक्चुअल सेल्स 6 बिलियन या 5 पॉइंट जो भी था। यहां पे जाकर के आप कॉल आउट वैल्यू में जाकर के ऑटो की जगह पे मिलियंस करके आपको दिखाई देगा, और डेसिमल्स ले लेते हैं, तो ये लगभग आपको 564 करोड़ के आसपास का धंधा, मतलब आपने पोटेंशियल रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया था 650 करोड़ के आसपास होगा, लेकिन एक्चुअली में आपका धंधा 560 करोड़ रुपए के आसपास हुआ, राइट। तो यहां से मैंने ये प्रिडिक्ट कर लिया। सिमिलरली अगर आपको देखना है कि मंथली मेरा किस तरह से चल रहा था, लेट मी पुट दैट ऑल्सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के हिसाब से, ये ले लेता हूं, यहां पे हम मंथ ले लेते हैं, कस्टमर आईडी ले लेते हैं, एंड मंथ ले लेते हैं, मंथ हम लेते हैं, मंथ 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 वोकिंस मंथ की तरह, वोकिंस मंथ एक्स एक्सेस पे मंथ ले लिया हमने, यहां पे कस्टमर आईडी दोनों ले लो, कस्टमर आईडी सेल्स, कस्टमर आईडी वोकिंस। तो आपको यहां से क्या मालूम पड़ रहा है, अगर आपको यहां से क्या मालूम पड़ रहा है साफ साफ अगर देखो तो आपको एक चीज यहां पे देखेगा कि भाई अक्टूबर में 550 लोग आए थे, लेकिन उसमें से 119 लोग ही कन्वर्ट हुए। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, जो कन्वर्जन रेट या कन्वर्जन रेट था वो मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, जो स्पेलिंग लॉक लिखा था यहाँ पे लाइन वाई एक्सेस पे डाल सकता हूँ, तो मुझे यहां से एक लाइन भी मिल जाएगा, डेटा लेवल ऑन कर दूंगा, ये देखो दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे चीजें क्या हो रही है ना, थोड़ी सी और बेटर होते जा रही है पोटेंशियल रेवेन्यू के हिसाब से, इतने लोग कस्टमर कन्वर्ट हुए थे और इतना धंधा हो रहा था, डायरेक्ट से कितने आए थे, इनडायरेक्ट से कितने आए थे, इसको मैं चाहूं तो टॉप 15 भी जाकर के कर सकते हैं। यहाँ पे जाकर के फिल्टर में करो, यहाँ पे बेसिक फिल्टर के पे टॉप 15 टॉप एन है टॉप 15 लगा दो तो हो जाएगा, राइट। ये सारा का सारा चीज मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। तो सबसे पहले तो 2 पेज और क्रिएट करूंगा, टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आपको ऑर्गेनाइज जो ये आपने सिखा ये मैंने आपको प्रैक्टिस कराया, लेकिन कुछ इस तरीके से आपको बनाना रहेगा, ठीक है। इसको अगर आप वही डिजाइन करोगे तो बहुत अच्छा दिखाई देगा, आई एम नॉट गुड एट डिजाइन, सो सॉरी फॉर दैट। डोंट सिंक करना है आपको इसको, डोंट सिंक करके फिर हम बनाने वाले पार्ट 2 इसका, सॉरी पार्ट 2 मतलब पार्ट 2 तो एडवांस लेवल का हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि वो और इनसाइट्स मुझे जनरेट करने पड़ेंगे। यहां पे ले आता हूं मैं एक आपका फटाफट, मैंने बना करके रखा है, मैं आपके लिए यहां लेके आता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने क्या बनाया बेसिकली आपका, आप देखोगे तो यहां पे मैंने क्या किया है ना कि टॉप 15 जो मेरे यहां पे एग्रीमेंट वैल्यू के हिसाब से टॉप 15 चैनल पार्टनर कौन से, जो सबसे ज्यादा धंधा मुझे स्काईलाइन बिल्डर दे रहा है, उसके बाद फर्स्ट चॉइस रियल स्टेट दे रहा है, वैसे यार इसको मैं हटा दूं तो यहां से मुझे आपको और क्लियरली मिल जाएगा इन्फिनिटी ऑलमोस्ट, यहां पे 0.36 बिलियन, तो वहां पे 15 के हिसाब से आ रहा था क्योंकि वो एग्रीमेंट वैल्यू कंसिडर करता है, एग्रीमेंट वैल्यू मतलब 2 करोड़ 2.5 करोड़ वैसा, और उसके हिसाब से फिल्टर लगा रहा था। यहाँ पे जाओ तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं कि लेस देन 1, जो भी आपको करना है आप ये कर सकते हो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से बंदे को आपका मतलब आपको केयर करना है। दूसरा मैं यहाँ पे एक डीकम्पोजिशन ट्री बना करके दिखाऊंगा आपको, डीकम्पोजिशन ट्री दिस इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे मैं आपको एक डीकम्पोजिशन ट्री बना के देता हूं, इसको इधर कर लेते हैं नीचे, क्योंकि मैं आपके लिए एक चीज और बनाऊंगा इसके ऊपर। आपको जैसे पता है कि भाई मेरे पास 500 कस्टमर खरीदने आए, मतलब कस्टमर आईडी,
मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ देखो, जो जो यहाँ पे लिया है मैंने फटाफट में रखता हूँ। कस्टमर आईडी सेल्स का जो आपका कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, तो मुझे कस्टमर आईडी को एनालाइज करना है। किस बेसिस पे एनालाइज करना है कि ये लोगों ने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का फ्लैट खरीदा है, तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की, इसका ब्रेकअप क्या है 500 लोगों में, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके क्लिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करूंगा तो आपको दिखेगा कि आगे जा करके ये 2 BHK 3, थोड़ा और ऊपर करता हूँ ऐसा, क्यों नहीं दिख रहा है भाई, ज्यादा क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK आ गया, ठीक है। सो ओके फाइन, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि साफ साफ कि भाई 2 BHK में जो लोग खरीदने हैं 500 में से 277 2 BHK हैं, 1 BHK 153, 3 BHK 42 एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ पे एक एग्रीमेंट वैल्यू डालता हूँ, आप इसको चाहो तो और फर्दर जाकर के ब्रेकअप कर सकते हो। एग्रीमेंट वैल्यू फिलहाल मैं टूल टिप में डाल देता हूँ, तो मुझे अगर जानना यहीं पे देख करके। अब मुझे अगर आपको याद होगा, अगर हम यहाँ पे आते थे तो एक इधर पे क्लिक करने के बाद दूसरा चेक करना पड़ा, तीसरा चेक करना पड़ रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक ही चीज पे एक ही स्लाइस एंड डाइस करके वी कैन सी। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि 2 BHK 277 लोगों ने खरीदा है, जिसका वैल्यू 3.13 बिलियन है, मतलब 313 करोड़ का धंधा है। उसके बाद 1 BHK, फिर 3 BHK एंड सो ऑन। आप इसको शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हैं जैसे आपको करना है, BHK वाइज एनीथिंग यू कैन डू, असेंडिंग डिसेंडिंग काउंट जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। तो इसको हम फिलहाल थोड़ा छोटा कर देते हैं, इतना बड़ा नहीं। आप चाहो तो इसके आगे भी प्लस साइन ऐड कर सकते हो, कौन से एज ग्रुप के लोगों ने ज्यादा खरीदा है, यू कैन डू एनीथिंग, राइट। फॉर एग्जांपल लेट मी पुट दिस एज ग्रुप, मैं भी ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, काउंट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लेट मी एज ग्रुप होता है क्या, ये आपको देखो और बना के देखो। अब यहाँ पे अभी देखो क्या हो रहा है ना कि आप सिर्फ ये 2 BHK का दिखा रहा है, 2 BHK के अंदर में 36 और 45 के बीच में 120 लोगों ने खरीदा, मतलब ये 277 का और ज्यादा ब्रेकअप दे रहा है। अगर 1 BHK पे क्लिक करूं तो 1 BHK का पूरा ब्रेकअप देगा, दिख रहा है यहाँ पे आपको लाइन दिख रहा है बारीक सा पतला सा। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ डीकम्पोजिशन ट्री एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू कैन चेक। मैक्सिमम आपको 3 लेवल तक रखना है और कलर चेंज कर देना, इसका ब्लू ब्लू नहीं रहेगा 3 लोगों ने तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये मैंने आपको आईटी स्पेंड एनालिसिस में सिखाया था। एट द सेम टाइम नाउ यू वुड लाइक टू सी मंथ वाइज आपका सेल्स कैसा था एग्रीमेंट वैल्यू पे, तो ये भी चीज मैं बना देता हूं आपके लिए। एग्रीमेंट वैल्यू अभी करने के लिए देखो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको उतनी सारी चीजें नहीं दिखा रहा हूं, फिलहाल मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। चाहे डेटा लेबल ऑन करो, विल कम टू नो कि राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने सिटी, इसके अंदर जा सकते हो, हिंदू पे क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन सी देयर डिकम्पोजिशन, राइट। मारवाड़ी में जा सकते हो एंड यू कैन सी, तो यहां से आप हर एक चीज इनसाइट निकाल सकते हो। क्रिश्चियंस पे क्लिक करके यू कैन कम टू नो कि क्रिश्चियन में भी 2 BHK के सिर्फ 13 लोगों ने खरीदा है आउट ऑफ 19 पीपल एंड 1 BHK 5 लोगों ने खरीदा है, और उसमें से एज ग्रुप 36 एंड 45 वाले हैं, राइट। दिस इज हाउ दिस गिव्स यू मोर मीनिंगफुल इनसाइट अर्लियर देन जो हम प्रीवियस क्रिएट कर रहे थे। और भी क्या क्रिएट कर सकता हूँ, लेट मी क्रिएट वन मोर फाइनल, जो मैं और चाहूँ तो मैं बैठ करके आपके लिए बहुत कुछ बना सकता हूँ। आपको पता होगा एक ब्रोकरेज का हमने बनाया था, तो ब्रोकरेज का मैं सिंपल एक लेने वाला हूँ कि टोटल सेल्स जो हुआ है उसके पीछे में आप ब्रोकरेज कितना कमीशन पे कर रहे हो, ठीक है, जहां पे आपका इंसेंटिव भी आ जा रहा है जो आपके क्लाइंट्स है। ये चीज मैंने आपके लिए बना करके, कलर चेंज कर लेना बॉस, अदरवाइज बोलेंगे सब सर ग्रीन ग्रीन सॉरी ब्लू ब्लू हो गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मेरा धंधा आपको मालूम है 564 करोड़ का हुआ, उसके ऊपर मैं 8.4 करोड़ का क्या दे रहा हूं आपका, 8.4 करोड़ का मैं यहाँ पे कमीशन पे कर रहा हूँ। 8.4 करोड़ का कंपोजिशन क्या है, यहाँ पे पैरेंट सोर्स पे आप चेंज कर लेना और डायरेक्ट में देखना, डायरेक्ट वाले को मतलब जो इंटरनल टीम है वो कितना सेल्स दे रहा है। अब देखो लीड मोड गायब हो गया, लीड मोड पे हमने क्यों क्या लगाया था, फिल्टर लगा के रखा था यहाँ पे जाकर के, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो मैं चैनल पार्टनर पे हमेशा सेलेक्ट करके रखूंगा, इंटरनल तो मुझे देना ही है। तो इंटरनल में मुझे मालूम है चैनल पार्टनर में 7.4 करोड़ का मुझे कमीशन देना है, और चैनल पार्टनर ने टोटल 328 सेल्स करवाया है, 2 BHK 176 बिकवाया है एज ग्रुप। सो एवरीथिंग इज मच मोर क्लियरर देन अर्लियर,
इतना आपको समझा। मैं चाहूं यहां पे कंटिन्यूअसली आपके लिए 4 पेज और क्रिएट कर सकता हूं और भी इनसाइट निकाल सकता हूं, राइट। बट कुछ चीजें मैं आपको आगे के लिए छोड़ देता हूं जो पार्ट 2 के लिए, एंड आई वांट यू आल्सो टू डिराइव सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और किस तरह से आप इस डेटा को अरेंज करोगे। मैं डिजाइन में अच्छा नहीं हूँ, शायद आप मेरे से बेहतर हो डिजाइन में, तो मैं चाहता हूँ आप इसको, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ तो मंथ ऑन मंथ कितने विजिटर आ रहे हैं वो भी कैलकुलेट कर सकता है M1। सो आई एम कीपिंग एडवांस लेवल ऑफ इसका जो पार्ट 2 वर्जन है, जो वॉक इन और सेल्स डेटा एनालिसिस का, मैं वो आगे जाके करूंगा। सो होप यू अंडरस्टूड कि व्हाई आई हैव फर्स्ट टोल्ड यू दिस, आपको लगा रहेगा यही है, उसके बाद वी हैव डन दिस, दिस इज अ सिग्निफिकेंट, ये चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंट इज कम्पेयर टू अर्लियर जो हमने क्रिएट किया। एंड लेट मी क्लेरिफाई वन मोर थिंग्स कि भाई यहाँ पे आप बोलोगे सर आपके पास क्वार्टर 4 कैसे आ सकता है जब अभी दिसंबर का मंथ आया नहीं है और आपके इसमें दिसंबर का भी दिखाई दे रहा है। तो भाई मेरे यहाँ पे जो डेटा है वो मैंने खुद पर्सनली क्रिएट किया है, और ये इस तरीके से क्रिएट किया है कि दिस शुड साउंड लाइक अ जेन्युइन, मतलब ये मेरे ख्याल से अगर मैं डेटा आपको कहूँ तो 95% जेन्युइन डेटा है, और ये आपको कोई डेटा बना करके नहीं दे पाएगा। अगर बना करके देगा वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ पे इसके लिए मत कहना कि बहुत सारे लोग वो फालतू तो कमेंट कर देते हैं, अरे दिसंबर तो खत्म नहीं हुआ 2024 का, मतलब उल्लू बना रहा है, ऑल क्रैप बुलशिट हटाओ, ये सब चीजें से निकालो दिमाग से, आप सीखने पे फोकस करो और लर्न करो। शायद मैं यहाँ पे अगर जाकर के मैं यहाँ पे क्या करूं, मैं डेटा मुझे काफी माहिर हूं, मैं डेटा माहिर हूं, यहाँ पे जाकर के F1 कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके Ctrl F करके 2000, यहाँ पे जो 2024 है उसको मैं रिप्लेस करके 2023 कर दूं तो क्या चले जाएगा, रिप्लेस ऑल हो गया, रिप्लेस देखो 2024 आ गया। सो यार यहाँ पे डेटा 2024 का दिसंबर क्यों आ रहा है, दिस शुड नॉट बी योर कंसर्न, योर कंसर्न शुड बी भाई तरीका सिखा रहा है कि नहीं, राइट। ये कुछ भी कर सकते हैं, कंट्रोल सेट करता हूँ, राइट। तो डोंट गो देयर, सो ये मुझे क्लैरिफाई करना था। सो वी हैव डन विथ दिस एनालिसिस एंड एवरीथिंग।